साथ विश्व भर से कई कवि मिले हुए हैं। मुझे ये देखकर भी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे साथ भारत से श्री डॉक्टर श्री भगवान जी, शशि तिवारी जी और बिंदेश्वरी जी जुड़ी हुई हैं, और नॉर्वे से इंदर खोसला और कनाडा से निधि बल जी सब जुड़ी हुई हैं। और अब मुझे पूरी आशा है कि आप इस कवि सम्मेलन को आनंद का आनंद लेंगे। मैं अब अपने अध्यक्ष डॉक्टर विजय मेहता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस कवि सम्मेलन का संचालन करने के लिए श्रीमती सुषमा मल्होत्रा को आमंत्रित करें। धन्यवाद। डॉक्टर विजय मेहता जी, आप प्लीज सुषमा मल्होत्रा जी को आमंत्रित कीजिए ताकि वो कवि सम्मेलन शुरू कर सके। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वो उसमें आप देख ठीक तो है? अब अलमारी में रखते हो ये आवाज आ ठीक है? हाँ और ये जी, बदलो तब हमारी हमारी पिक्चर तो नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक ठीक है है डॉक्टर डॉक्टर साहब, आ रही है पिक्चर। आइए। सर्वप्रथम तो दीपावली की शुभ पर्व के उपलक्ष्य में जो ये कवि सम्मेलन का, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं सुषमा मल्होत्रा को, जिन्होंने इसके लिए अथक परिश्रम किया है, साधुवाद देता हूँ। दीपावली का पर्व, जैसा आप जानते हैं, दीप मल्लिकाओं से आलोकित यह पर्व है। शायद हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, निर्धनता से समृद्धि की ओर ले जाएं, या सत्य से हम आध्यात्मिक उत्कर्ष पर। इस अवसर पर मैं सभी श्रोताओं को, सभी कवियों और कवित्रियों को धन्यवाद देता हूँ, और आज की कवि का भी गोष्ठी का के संचालन के लिए मैं श्रीमती सुषमा मल्होत्रा को निमंत्रित करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि सुषमा मल्होत्रा एक उत्कृष्ट कवित्री हैं और एक हिंदी की प्राध्यापिका भी रही हैं, और हिंदी के उत्कर्ष के लिए हमेशा कार्यरत रहती हैं और हमारी काव्य गोष्ठी का संचालन भी करती हैं। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सुषमा मल्होत्रा को कि आज के इस कार्यभार को संभालें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे दिवाली के उपलक्ष्य में अखिल विश्व हिंदी समिति का कवि सम्मेलन आयोजन करने के लिए आमंत्रित किया और आपने उसकी मुझे आज्ञा दी। आपको प्रणाम, नमस्कार। तो COVID-19 के समय से जब से हम लोग बंद होकर बैठे हैं, हम लोग इसी इसी माध्यम से सब लोग जुड़ पा रहे हैं। स्कूल, क्लास, मीटिंग्स, इसी से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं इस कवि सम्मेलन को आरंभ करने से पहले जो हमारे कोविड के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको अपनी सुरक्षा में रखें, भगवान उनको सुरक्षा कवच में रखें ताकि वे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी रक्षा करें ताकि वो दूसरों की रक्षा कर सकें। मैं सभी का, जैसे कि डॉक्टर वेद मल्होत्रा, डॉक्टर विजय मेहता ने आप सबको धन्यवाद किया, मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ। कवि जो भारत से, अमेरिका से, नॉर्वे से, कनाडा से और हमारे मित्र जर्मनी से भी जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत करती हूँ। और इस ग्रुप में कवि ही नहीं है, बहुत से अध्यापक हैं, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, कोई कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है,
हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। और लेकिन आज हमारे कवि सम्मेलन में 2-3 नए कवि आए हैं जिनको हम आप सबको सुनने का मौका मिलेगा। उनका परिचय उनका जब उनका क्रम से उनका आएगा तो मैं उनको और आप सबको उनके बारे में उनका परिचय दे दूंगी। तो मैं कवि सम्मेलन आरंभ करने से पहले थोड़ा सा एक रिव्यू होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जैसे हम कोशिश करेंगे प्रयत्न करेंगे कि हम अपनी कविताएं 5 मिनट के अंदर एक कविता ये दो कविताएं पढ़ लें, अपना कविता के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दें, कविता को सुनाएं ताकि लोग आनंद लें, क्योंकि आपका परिचय तो बहुत से लोग हम सब लोग आपको जानते ही हैं। जब आपकी क्रम से मैं आपका नाम लूंगी तो आप कृपा करके अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज अपने आप को उसके बाद म्यूट कर लीजिएगा ताकि आपकी आवाज दूसरे के बोलने में रुकावट ना डाले, क्योंकि हम चाहते हैं जो बोलता है उसको हर कोई ध्यान से प्यार से सुन सके। तो आप सबका आशीर्वाद लेकर, श्री भगवान जी का आशीर्वाद, श्री भगवान जी जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, मैं उनको जी लगाती हूँ, तो उनका नाम श्री भगवान है। और शशि तिवारी जी जो इतनी महान कवित्री, उन सबसे आज्ञा लेकर, डॉक्टर विजय मेहता, अगर दाऊजी जुड़े हुए हैं दाऊजी को, और बड़े महान व्यक्तियों का आशीर्वाद लेकर मैं कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। तो मैं क्योंकि दिवाली का है तो लेकिन फिर भी उपलक्ष में हम करते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक सरस्वती वंदना है, उसकी 4 पंक्तियां पढ़कर मैं इस कवि सम्मेलन का आरंभ करूंगी। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। इसी के साथ अब मैं आज की सबसे प्रथम कवयित्री को आमंत्रित करूंगी, जिनको हम अखिल विश्व हिंदी समिति वाले ग्रुप के लोग बहुत जानते हैं, और वो बहुत एक प्रसिद्ध पिताजी की पुत्री हैं, जिनका नाम श्री ओम प्रकाश गौड़ जी है, जिनको हम सब प्रवासी जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने पिता की यादगार में बहुत से कवि सम्मेलन करवाए हैं और बहुत सा काम करती हैं। तो वो मैं आज उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो अपने पिता की एक पांडुलिपियों में से एक कविता का पाठ करें। तो सुषमा कौशिक जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ, और आप अपने आप को जब तक अनम्यूट करती हैं मैं आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, जो मैं कभी कभी छोटी छोटी लाइनों छोटी छोटी पंक्तियों में छोटे छोटे शब्दों में कुछ कहना चाहूंगी। ईंट पत्थर से घर को बनाते हैं अगर बेटे, ईंट पत्थर से घर को बनाते हैं अगर बेटे, तो घर को सजाती हैं बेटियां, माँ बाप का सर ऊंचा कराती हैं बेटियां, घर अगर कभी अकेले पड़ जाओ तो घर में रौनक ले आती हैं बेटियां, रौनक ले आती बेटियां, और आप ऐसी एक पुत्री हैं। सो आप आज का हमारा कवि सम्मेलन आरंभ करिए, स्वागत है सुषमा जी। अच्छा, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और आपने तो आज याद की कविता बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें ज्ञान गुरु से मिलता है, तो मैं गुरु किस शुरू करना आज का कवि सम्मेलन, एंड प्रणाम करती हूँ डॉक्टर विजय महतो को जो मेरे जानते थे, सबको मेरा स्वागत, मेरा प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अब ये 2 हैं जो मैं गुरुवार स्वामी जी हैं जो आते हैं,
उनके ही द्वारा लिखी ये पंक्तियां हैं सादर प्रणाम। कहते हैं वो, करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए, किसे चित्र ऐसा के पटल पर तेरे बीत जाने पर जग गाए, तेरे बीत पे जग गीत गाए। अब जो मैं पंक्तियां बोलने जा रही हूँ वो मेरे पिताश्री कवि डॉक्टर ओम प्रकाश गौड़वासी जी की महाकाव्य राधिका से है, आशीर्वाद कहूंगी। मैं रह उसी जगह पर मन की श्रद्धा जागेगी, मैं रहता हूँ उसी जगह पर मन की श्रद्धा जागेगी, मन से बंदी दूर कहीं है, मन से बंदी दूर कहीं हूँ, मथुरा में यह दुले सजेगी, जो कहना था वही रह गया, उद्धव मन को मन बीत पर आए, तन से दूर मगर मन था, देना तुम बीत तुम्हारी, कितना लिखूं व्रता तू दे, जब समझे पीड़ा के स्वर भले को वीणा को तुम बिकना पाए के वीणा के, बचपन का वह प्रेम अमर है, गीतों में श्रृंगार अमर है, बचपन का वह प्रेम अमर है, गीतों में श्रृंगार अमर है, मर कर मरने वालों में प्रेमी का संसार अमर है, मर मर कर मरने वालों में प्रेमी का संसार अमर है, रहता उसी जगह पर मन की श्रद्धा जहाँ पुजे, मन से बंदी दूर कहीं हो, मथुरा में पहले सजेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। आप आती हैं अपने पिताजी की पुस्तक से कुछ ना कुछ पढ़ती हैं, उनकी याद हमें फिर ताजा हो जाती है। उन्होंने हिंदी के लिए न्यूयॉर्क में अमेरिका में बहुत काम किए, उन्होंने कवि सम्मेलन आरंभ किए, पुस्तकें लिखी और यहाँ तक कि विश्व हिंदी समिति की स्थापना भी उन्हीं के हाथों से हुई थी। अब मैं दूसरी कवियत्री के पास चलती हूँ जो कि हमारे साथ कनाडा से जुड़ी हुई हैं, निधि बल। डॉक्टर निधि बल पहले भारत में HMV कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर रही, आजकल वो कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय भाषा शिक्षक के रूप में हिंदी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और बहुत मान सम्मान की बात है कि उनको 2017 में, उनको जल्दी ही आने के बाद कनाडा की सरकार से हिंदी के कार्य के लिए उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सो निधि जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ और आपके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है, मैंने सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। तुम तो ज्ञान व शिक्षा का भंडार हो, तुम तो ज्ञान व शिक्षा का भंडार हो, जब मुझे किताबों ने साथ नहीं दिया तो और मैं तुमको मिल लिया, और मैंने तुमको मिल लिया और मुझे समय ने मिला दिया, मैं ये कहना चाहूंगी, तो जो दूर के तो तुम्हारे जैसे मैं और चेहरे ढूंढने निकली हूँ, मैं तुम्हारे जैसे चेहरे और ढूंढने निकली हूँ। सुनिधि जी, आपका स्वागत है, आप प्लीज अपनी कविता पढ़कर हमें कविताएं अपना समय हमें दीजिए, स्वागत है आपका। थैंक यू सुषमा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को सादर नमस्कार, और सुषमा मैम आपको बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे कार्यक्रम करती रहती हैं, बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं हिंदी के लिए, हिंदी जगत के लिए, कवियों के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही सदा मुस्कुराती रहे और सदा ऐसे कार्यक्रम करती हैं। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक छोटी सी कविता के साथ शुरुआत करूंगी। एक हाल ही में मैंने कविता लिखी, जिस प्रकार मुझे लगता है दिवाली एक त्योहार है पुनर्मिलन का, दोनों शिक्षकों को दूर करके एक होने का, तो शायद मेरी ये कविता उससे मिलती मुझे लगी, इसलिए मैंने ये चुनी कि मैं इसी को आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसका शीर्षक है खूंटियां। सो खचाखच कपड़ों से भरी, खचाखच कपड़ों से भरी, लबालब भार से लदी,
खचाखच कपड़ों से भरी लबालब भार से लदे ये अलमारी की खूंटियां, जहां कुछ भी और टांगने की गुंजाइश नहीं, हम ढूंढते हैं फिर किसी और अलमारी की खूंटियां। जब कपड़े टांगने के लिए जगह नहीं मिलती एक अलमारी की खूंटियों में, तो हम ढूंढते हैं फिर किसी और अलमारी की खूंटियां, जहां कुछ जगह मिलने पर कपड़े टांग कर हो जाते हैं बेफिक्र, करते नहीं फिर बिल्कुल भी उस कपड़े का जिक्र। उस अलमारी में जगह मिलने पर कपड़े टांग कर हो जाते हैं बेफिक्र, करते नहीं फिर बिल्कुल भी उस कपड़े का जिक्र। इसी तरह हमारे मन और दिमाग की कई खूंटियां लबालब और खचाखच भर चुकी हैं, जहां रिश्ते प्यार दुख सुख और जज्बात दिले शिकवे हर तरह के एहसास टांग कर भी हम कभी नहीं होते बेफिक्र, और बार बार करते हैं उन्हीं शिकवों का जिक्र। गौर कीजिएगा, हर तरह के एहसास टांग कर भी हम कभी नहीं होते बेफिक्र, और बार बार करते हैं उन्हीं गिलों शिकवों और गिले शिकवे की खूंटियों पर ज्यादा देर टंगे रहने से रिश्तों की मौत हो जाती है। गिले शिकवों की खूंटियों पर ज्यादा देर टंगे रहने से असंख्य रिश्तों की मौत हो जाती है, परंतु मन की खूंटियां कभी खाली नहीं होती। बस हर बार हम एक नई खूंटी लगाकर निश्चिंत हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निधि। जो आपने बात कही है ये बिल्कुल सही बात है, और आजकल ये जो कोरोना, बिल्कुल कोरोना के कारण हम सब लोग लॉकडाउन हुए हुए हैं। घर में अगर हम कपड़े देखते हैं, कुछ सामान देखते हैं, तो अब लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, इसको इसकी जरूरत नहीं है, इसको खाली करें, और बदलते हैं इधर से उधर। धन्यवाद आपका। और आप, मुझे मालूम है आज आपने स्कूल जाना है, आपके बच्चे, आपके हिंदी पढ़ाने बच्चे और आपके जो हिंदी शिक्षा ले रहे माता पिता, उनके बच्चों के माता पिता भी आज आपको मिल रहे हैं, फिर भी आपने आप आई और अपनी कविता सुनाकर थैंक यू सो मच, बहुत आनंदित। मैं यही बात कहूंगी कि जिस प्रकार हम अपनी अलमारी अपने घरों को सफाई करते रहते हैं निरंतर, उसी प्रकार हम सब अपने मन की दिमाग की खूंटी की सफाई करते रहें, दिलों शिकवों से ऊपर उठें, एक दूसरे से प्रेम करें, सबके साथ एक और प्रेम के साथ रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा आपने निधि, धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो और आपकी मीटिंग्स बिल्कुल सफल हो। थैंक यू। अगली कवित्री का जो क्रमानुसार जो अगली कवित्री है वो है अनुराधा चंदर। अनुराधा चंदर जी आप जुड़ गई हैं दोबारा? अनुराधा चंदर जी आप जुड़ गई हैं दोबारा? मुझे अनुराधा जी का नहीं सुनाई दे रही। आई मेरे? हाँ अनुराधा जी, अब बिल्कुल अब आपकी आवाज है, ये बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए। अच्छा आ गई है, तो फिर मैं आपका परिचय देती हूँ। अनुराधा जी न्यूयॉर्क में 1974 से रहती हैं, हिंदी में कविता लिखती हैं और इनकी बुक्स, इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित होती हैं। आजकल मुझे इनके बारे में कुछ और भी पता चला है कि ये भक्ति भाव की भी कविताएं और कुछ रचनाएं करती हैं, और जो कि मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो लेकिन ये बहुत अच्छी मित्र हैं, जब भी कोई काम करती हूँ या कुछ करती हूँ तो इनका मुझे एक मैत्री भाव से, एक प्रेम से इनका मुझे फोन आता है, और उसके लिए मुझे ये बहुत बहुत हौसला बधाई दे करती हैं, और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और अनुराधा जी देखती हूँ कि मैंने दो पंक्तियां जो कह रही थी कि आप लाखों के लायक दोस्त हैं, आप लाखों करोड़ों कह सकती हूँ कि करोड़ों लायक दोस्त हैं, जो मित्र चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, वह दूर हो या पास हर वक्त याद आता है। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है वो दूर हो या पास हमेशा अपनी याद दिलाता है। सो आप उन मित्रों में से एक हैं जो कि मिलती हैं, मुस्कुराती हैं और मुस्कुराने का हमें भी अवसर देती हैं। सो आप अपनी कविता प्रस्तुत करिए। आपका स्वागत है अखिल विश्व हिंदी समिति के अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो कि हम दिवाली के उपलक्ष्य में आज मना रहे हैं। आइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी परिचय देने के लिए, और मैं भी तुम्हारे लिए यही कहूंगी कि सभी को प्यार के धागों में बांध कर ऑनलाइन पर ही अपने प्यार से बांधे रखती हैं।
सभी को प्यार के धागों में बांधकर ऑनलाइन पर ही अपने प्यार से बांधे रखती है। हर दिलों में मिठास भर सभी को खुशियां बांटती रहती है। और हम सभी के यहाँ पर हम सभी को आमंत्रित कर हम सभी का उत्साह बढ़ाती है। तो मैं इसीलिए तुमको बहुत बहुत तहे दिल से, बहुत प्यार से, सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद जी, इतने अच्छे शब्द आपने मेरे लिए कहे, धन्यवाद। तो मैं आज दो कविता लाई हूँ, छोटी छोटी कविता है। पहले तो मैंने पहली कविता लिखी कि पति परमेश्वर नहीं, पति परमेश्वर नहीं, पर फिर भी हम उन्हें पूछते हैं, पर परमेश्वर की तरह नहीं, क्योंकि पति परमेश्वर नहीं। पति परमेश्वर नहीं, पर फिर भी हम उन्हें पूछते हैं, पर परमेश्वर की तरह नहीं, क्योंकि पति परमेश्वर नहीं। वो पूजन नहीं जिसमें कुमकुम हल्दी अक्षत हो, वो पूजा नहीं जिसमें मंत्रों के उच्चारण हो, वो पूजा नहीं जिसमें फूलों की माला हो, जिसमें सिर्फ मन तन वाणी की मिठास हो और जिसमें सिर्फ मीठी वाणी हो। उन्हें समर्पण करने का शुद्ध मन और तन हो। करवा चौथ पर लगाते हैं उन्हें कुमकुम हल्दी अक्षत, करवा चौथ पर लगाते हैं उन्हें कुमकुम हल्दी अक्षत और उतारते हैं उनकी आरती शुद्ध भाव से। पूछते हैं उन्हें एक सुहागन की तरह, पूछते हैं उन्हें एक सुहागन की तरह, पर परमेश्वर की तरह नहीं, क्योंकि पति परमेश्वर नहीं। पति जो रहता है मन के मंदिर में, पति जो रहता है मन के मंदिर में, जलाते हैं ज्योति अपने आंखों की, जलाते हैं ज्योति उनके लिए अपने आंखों की, पहनाते हैं गले में माला अपने बाहों की, करते हैं उनकी स्तुति अपने होठों से, पूछते हैं उन्हें अपने दिल से, पर परमेश्वर की तरह नहीं, क्योंकि पति परमेश्वर नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत पति परमेश्वर नहीं लेकिन हम उसको पति परमेश्वर की तरह मानते हैं, धन्यवाद। और दूसरी कविता लाई मैंने, छोटी सी है अभी। हाँ, नहीं स्वागत है जी, बिल्कुल। तो इसमें मैंने कान्हा को, क्योंकि मैं, आपको पता है मैं कान्हा की दीवानी हूँ, तो कान्हा ने भारत से अमेरिका बुलाया है। थोड़ी हंसी मजाक की है क्योंकि मुझे हंसना हंसाना बहुत अच्छा लगता है। तो सुनिएगा, कभी फुर्सत हो तो नंदलाला, कभी फुर्सत हो तो नंदलाला, तुम अमेरिका में आ जाना, जो फ्रोजन फूड दिया हमको, जो फ्रोजन फूड दिया हमको, उसका भी भोग लगा जाना। गाय का दूध तो पता नहीं, गाय का दूध तो पता नहीं, पर ग्यालन का दूध पिलाऊंगी, मक्खन मिलता है पैकेट में, उसी का भोग लगाऊंगी। कभी टाको भेल तो कभी चाइनीज, तो कभी पिज्जा हट ले जाऊंगी, वृंदावन में तो बहुत रहे, अब न्यूयॉर्क की सैर कराऊंगी। बहुत खूब, गोप गोपियों को छोड़ो अब, गोप गोपियों को छोड़ो अब, हमको भी दर्श दिखा जाओ, वृंदावन तो बहुत रहे, अब हमारे घर भी आ जाओ। माना राधा जी है बहुत प्यारी, जैसा मेरा नाम भी राधा है, माना राधा जी है बहुत प्यारी, पर हम भी तो एक राधा है, मेरा मन बड़ा व्याकुल है, अब अपने दर्शन दे जाओ। बहुत अच्छे लाद राधा जी, उस राधा जी को छोड़कर अब इस राधा के पास आ जाओ, ला दूंगी तुम्हें एक नई बांसुरी, उसकी धुन सुना जाओ। क्या बात है, वीजा की तुम्हें वीजा की समस्या तुमको नहीं, वीजा की समस्या तुमको नहीं, घर बैठे ही मिल जाएगा कोई हरे कृष्ण का प्रेमी, तुमको यूं ही दे जाएगा।
भारत को अब छोड़ो तुम, भारत को अब छोड़ो तुम, अपने ही रथ में आ जाओ, उस राधा को छोड़कर अब तुम इस राधा को अपना लो, अपने दर्श दिखा जाओ। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी आपको ना। बहुत बहुत पसंद आई। आप हमें कृष्ण भगवान से, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस लॉकडाउन में मैंने आपका दूसरा रूप जो देखा है, भक्ति भाव जो आप लिखती हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां लिखती हैं। बहुत धन्यवाद है आपका अनुराधा जी, समय देने के लिए अखिल विश्व हिंदी समिति के कवि सम्मेलन में जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगली जो कवित्री हैं उनका परिचय तो क्या देना, वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिंदेश्वरी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपका थोड़ा सा परिचय देती हूँ, तब तक आप अनम्यूट कर लीजिए। ये अखिल विश्व हिंदी समिति की प्रचार मंत्री हैं और कवि सम्मेलन करती हैं। ये अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए नहीं बल्कि और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कवि सम्मेलन करती हैं, और ये कविताएं भी लिखती हैं, हंसती हैं और हंसाती हैं। तो वे दूसरे वे मैं इनके लिए बिंदु जी आपके लिए दो पंक्तियां हैं कि वे हंसने और दूसरों को हंसाने के लिए ही लिखती हैं। वह खुद हंसने और दूसरों को हंसाने के लिए लिखती हैं, वह मजाक भी करती हैं और कहती हैं। आइए देखें कि आज वह क्या कहती हैं और किस किस को हंसा पाती हैं। आज देखते हैं आप किस किस को हंसा पाती हैं। बिंदु जी हंसाने के लिए, अपनी कविता लेकर आने के लिए। बिंदु जी आजकल भारत में हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी में रहती हैं, लेकिन आजकल वो भारत में वहां से जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी और आपका स्वागत है। आइए कविता पाठ करिए। मेरी आवाज आई क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आपकी आवाज ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। अखिल विश्व हिंदी समिति के सभी अपने परिवार को, सभी अपने हिंदी को नमस्कार कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, बहुत बैठा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ये दीपावली का है, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ एक कविता। अगर मेरी आवाज खराब हो जाएगी तो हम बीच में रुक जाएंगे गला। हम ठीक है, हम हमेशा हंसने की कविताएं बोलते हैं, तो हंसने की बोलूंगी, लेकिन अभी मैं एक दिवाली पंडित बोल रही हूँ। स्वागत है बिल्कुल। कितनी बार निहारी हमने, कितने संजोए थे, उनके आने की आशा में शत शत दीप जलाए थे। दोटे घर को दीप पोत कर स्वच्छ सवारा था हमने, चुन चुन कर उनके मन चाहे पकवान बनाया था हमने। बस था सजाना, बाकी था खुद बंधन के आने की आशा में सत सत दीप जलाए थे। खील बतासा और मिठाई का त्योहार न सुना हो, आएंगे प्रीतम घर अपने उत्साह मेरा फिर ढूंढना हो। हम पलक बिछाए बैठे थे, हम पंथ निहारे जाते थे, उनके आने की आशा में शत शत दीप जलाए थे। रात गई दीपक बुझ गए, पर वो घर लौट नहीं आए, आई तो उनकी स्मृतियां जो अतीत वापस ले आई। वो बहुत दूर आते कैसे फिर, क्यों हम आस लगाए थे, उनके आने की आशा में सत सत दीप जलाए थे। कितनी बात निहारी हमने, कितने अपने थे, उनके आने की आशा में सत सत दीप जलाए थे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज खराब होते हुए भी आपने हमें दीपावली की कविता सुनाई, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही थी, बहुत बहुत नहीं, बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी, हम आगे बढ़े बिंदु जी। अच्छा, धन्यवाद बिंदु जी। डॉक्टर बिंदेश्वरी अग्रवाल, इनको हम प्यार से बिंदु जी कहते हैं,
और ये भारत से जुड़ रही हैं और सर्दी और के कारण थोड़ा बहुत गला हो उनका खराब है। तो अभी मैं अपने जो क्रम है उसके हिसाब के साथ मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रही हूँ। यहाँ पर ज्योति गुप्ता जुड़ी हुई हैं, जो कि आज हमारे मध्य में किसी को याद करेंगी, जो कि हमारे सबके दिलों के साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर शकुंतल पांडे, जो मैं इस वर्ष कोविड के समय में हमें छोड़कर चली गई। तो ज्योति गुप्ता भी बहुत एक प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में कि LILC की वो प्रेसिडेंट हैं, कई कवि सम्मेलन कराती हैं और उन्होंने और भी कई कार्यक्रम किए हैं, उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप LILC की वेबसाइट पे जाइए, बहुत कुछ पता लगेगा। सो ज्योति जी, आज अधिक समय ना लेकर मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप आइए डॉक्टर शकुंतल पांडे की याद में जो उनकी कुछ पंक्तियां हैं आप आज पढ़कर सुना दीजिए। नमस्ते सबको, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अखिल विश्व हिंदी समिति में आज आई हूँ। थैंक्स सुषमा जी एंड सारी टीम। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस दिवाली का टाइम है तो ये बोलूंगी अंदर का दिया जलाएं तो ज्यादा रोशनी सबको होगी। और बस मैं उनकी डॉक्टर पांडे, शकुंतल पांडे जो मेरी आंटी थी, उनकी लिखी हुई कविता पढ़ूंगी जो उन्होंने मेरे को भेजी थी कोरोना टाइम में। संकट के बादल बरस रहे, मुश्किल आन पड़ी है, हाहाकार मचा दुनिया में, आफत आई बड़ी है। सूझबूझ और संयम से घर पर रहकर दुआ करो, चौखट के आगे मत जाना, बाहर मौत खड़ी है। कोरोना से लड़ने की खातिर सारे नियम निभाएंगे, घर से ना निकलेंगे और ना किसी को हम बुलाएंगे। विश्व समूचा जूझ रहा है मौत की इस बीमारी से, हमने ठान लिया है इस दानव को मार भगाएंगे। बिलक बिलक कर गगन रो रहा, सहम गई पुरवाई है, मानव चीखे सुन सुन कर मौत भी अब शर्माई है। भूमंडल सारा कांप रहा है दर्द के इस सन्नाटे से, लाशों का बोझ उठाने से धरती भी घबराई है। धन्यवाद डॉक्टर शकुंतल पांडे, हम हमेशा याद रखेंगे। डॉक्टर शकुंतल पांडे हमारे मध्य में नहीं है, उनकी बेटी भी आज बिजी है रूपल, तो उनका गीत लिखना कविता लिखना बहुत ही हमें याद है। और वो तो हमारे कवि सम्मेलन में आती थी, महान कवियत्री, और उन्होंने बहुत बहुत हमारे साथ हिंदी के लिए काम किया। धन्यवाद ज्योति जी, आपने उनकी याद में उनकी कुछ पंक्तियां सुनाई हैं। अब मैं थोड़ा सा क्रम को बदल रही हूँ। अशोक जी, जो रजनी आ गई है, रजनी कुमार अभी की नहीं? रजनी जी आ चुकी है। रजनी जी, आपसे पहले मैं एक मिनट लेना चाहूंगी, मैं अनूप भार्गव जी को आमंत्रित करूंगी। अनूप जी आप तैयार हैं? जी जी सुषमा जी, धन्यवाद। हाँ, मुझे मैं क्षमा चाहूंगी कि मैंने सब लोगों को एक क्रम दिया है, लेकिन कई बार व्यस्तता और कार्यक्रम बदल जाने से तो मैं कुछ लोगों ने पहले कॉन्टेक्ट कर लिया था, कुछ किया है क्रम चेंज, तो मैं रजनी जी आपसे पहले अनूप भार्गव जी को आमंत्रित करती हूँ। आपके लिए भी मैं क्या कहूँ, आपको तो पूरा विश्व जानता है, अभी तो आपने विश्व रंग में जुड़े हुए थे, तो आप लोग विश्व रंग की वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि इन्होंने विश्व के साथ अमेरिका को किस तरह जोड़ा, और इन्होंने इतने कार्यक्रम पूरे अमेरिका से बच्चों को, बड़ों को, कवियों को, लेखकों को, आर्टिस्ट, डांसर, बड़ी लंबी लिस्ट है, उन सबको लेकर अमेरिका को विश्व रंग में रंग दिया और उनको हमें उनका एक हिस्सा बनाया। धन्यवाद अनूप जी, आपका स्वागत है। आज आप कुछ अपनी पंक्तियां पढ़ी, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, सो नो डाउट टेक्निकल टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट हैं और कवि भी बहुत महान है। स्वागत है अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, सभी को नमस्कार। आज मैं कुछ अपनी पुरानी कविताएं लेकर आया हूं जो मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में लिखी थी, तो आज वो पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो विश्वास है कि आपने किसी ने नहीं सुनी होगी, उसमें थोड़ी सी अपरिपक्वता हो सकती है, लेकिन आज उनको सुनाने की इच्छा हुई तो मैं लेकर आया हूँ। स्वागत है अनूप जी, स्वागत। कविता के मैं शुरू करता हूँ, तो पहली कविता है कि नैन तुम्हारे दगा दे गए, नैन तुम्हारे दगा दे गए, स्वप्न तुम्हारे दगा दे गए। क्या बात है अनूप जी, बहुत खूबसूरत। कि नैनों से सपनों की बातें, सपनों में उलझी वो रातें, रातों की मीठी सौगातें,
सौगातों से जुड़ी वो बातें। बहुत देखिए कि दूसरी पंक्ति जहां पहली पंक्ति खत्म होती है वहां से शुरू होती है। बहुत बढ़िया। दिनों से सपनों की बातें, सपनों में उलझी वो रातें, रातों की मीठी सौगातें, सौगातों से जुड़ी वो बातें, बातों की जब बात हुई तो वचन तुम्हारे दगा दे गए, नैन तुम्हारे दगा दे गए। वाह वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कि जीवन यूं ही बीत रहा था, जीवन यूं ही बीत रहा था, पल पल युग को जीत रहा था, जीवन का कुछ अर्थ नहीं था, मर जाना भी व्यर्थ नहीं था, पर जब जीवन को समझा मैंने, जब जीवन को समझा मैंने, अर्थ तुम्हारे दगा दे गए, नैन दगा दे गए। बहुत सुंदर, तुम्हारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाहों अंतिम है, अंतिम कि बाहों में सिमटी थी ऐसे गंध छुपी हो फूल में जैसे, बाहों में सिमटी थी ऐसे गंध छुपी हो फूल में जैसे, तन्हाई संयम जीत चुकी थी, सीमाएं सब टूट चुकी थीं, पर जब चुंबन का वक्त हुआ तो, जब चुंबन का वक्त हुआ तो अधर तुम्हारे दगा दे गए, तुम्हारे दगा दे गए, स्वप्न तुम्हारे दगा दे गए, नैन तुम्हारे, स्वप्न तुम्हारे। एक और देखिए, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। एक और उसी वक्त की कविता है, तो मैं भूमिका नहीं दूंगा, सीधे कविता पर, कि मैं नहीं मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं। बहुत अच्छा। कि मैं नहीं मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं, अक्सर तुम्हारे संदर्भों की मांग किया करते हैं। कि मैं नहीं मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं, इसका मैंने जो संदर्भ लिया है वो मुझे याद है कहानी, कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां जब उनको मिस करती हैं, उनकी याद आती है, तो स्वाभिमान के कारण वो ये नहीं कहती हैं कि हमें तुम्हारी याद आ रही है, वो कहती हैं कि देखो तुम्हारी जो गायें हैं वो तुम्हारे तुम्हारे उसमें कितनी दुखी हो गई हैं, खाना नहीं खाती हैं, दुबली हो गई हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ बात अपनी डायरी के पन्नों के माध्यम से कहने की कोशिश की है, कि मैं नहीं मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं, अक्सर तुम्हारे संदर्भों मांग किया करते हैं। मैं जब भी तुम्हें भुलाने की कोशिश करता हूं, मैं जब भी तुझे भुलाने की कोशिश करता हूं, तेरे ख्याल मासूम बच्चे की तरह मेरी उंगली पकड़ लिया करते हैं, मैं नहीं मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं। बहुत अच्छा। और मखमली बाहों में गुजारे वो रेशमी पल, मखमली बाहों में गुजारे वो रेशमी पल, कमबख्त मरमर के जिया करते हैं, मैं नहीं मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बाद अंतिम देखिए, वो जो फूल मैं हर रोज तेरी जुल्फों में लगाया करता था, वो जो फूल मैं हर रोज तेरी जुल्फों में लगाया करता था, वो फूल अब खिला नहीं करते हैं, मैं नहीं मेरी डायरी के पन्ने तुम्हें याद किया। क्या बात है। बहुत अच्छे। और अब एक अंत में दो पंक्तियों की कविता, रचना श्रीवास्तव अगर यहाँ पर हैं तो उन्होंने फरमाइश की है। धन्यवाद। तो एक अंतिम कविता दो पंक्तियों की, तो इसमें मैंने गणित की कविता है ये, और इसमें मैंने गणित की तीनों विधाओं को समेटने की कोशिश की है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। तो देखिए कैसे बनती है कविता, कि अंकों की गणित और तर्क की ज्यामिति के दायरे में कैद जिंदगी एक कठिन समीकरण बन गई थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अंकों की गणित और तर्क की ज्यामिति के दायरे में कैद जिंदगी एक कठिन समीकरण बन गई थी, तुम चुपके से आई और मेरे कान में प्यार से इतना ही कहा, तुम चुपके से आई और मेरे कान में इतना ही कहा, सुनो मैं
मुस्कुरा दिया और जिंदगी के सभी कठिन प्रश्न अचानक बड़े आसान से लगने लगे। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अनूप जी, मैं तो आपके लिए कुछ और पंक्तियां कहने वाली थी। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन मुझे अभी अभी महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके लिए, जो आप अपने अपने युवा अवस्था की कविताएं सुनाई उनके लिए मैं जाना चाहूंगी कि फूलों की मीठी चितवन जी, फूलों की मीठी चितवन नभ की ये दीपावलियां, वाह, मुख पर संध्या के वे किरणों की फुलझड़ियां, कुछ ऐसा ही आप प्रस्तुत कर रहे थे जब आप अपनी कविताएं पढ़ रहे थे, तो मुझे अचानक याद आया। मैंने कहा बहुत कुछ लिखा हुआ है महादेवी वर्मा जी ने, लेकिन मैं ये चार पंक्तियों के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए अखिल विश्व हिंदी समिति के इस कवि सम्मेलन में और आपने हमें अपनी उत्कृष्ट कविताओं से हमें आनंदित किया। धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं क्रमानुसार। रजनी कुमार, जो कि जन्म तो अफगानिस्तान में हुआ है, उर्दू में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, लेकिन लिखती बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से पढ़ती हैं। तो रजनी जी, आपका स्वागत है। मैं देखती हूँ कि मैंने आपके लिए कहा है कि वह गजल और नज्म लिखती हैं, कभी दिल से और कभी दिमाग से, आपके कहे हुए शब्दों के तीर, प्यार के तीर, ये वो चुभने वाले नहीं, प्यार के तीर इस तरह दिल में प्रवेश करते हैं कि घायलों को लौटने का मन ही नहीं करता, वहां से बचकर जाने का मन ही नहीं करता, उनको सुनने का मन करता। आपका स्वागत। थैंक यू शुष्मा जी, आप सुनाइए अपनी। थैंक यू, नमस्कार सबको। मैं देर से आने की बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, बहुत मजबूरी से। बिल्कुल क्रमानुसार समय पर आई हैं। थैंक यू सबको, नमस्कार। खासकर बिंदु जी को, जो बहुत दिनों मैं उनको मिस करती हूँ। अशोक सिंह जी, आपको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम हर महीने मिलते थे, हमारा अदबी संगम होता था, तो अब तो दोस्तों को दुआएं दी जाती है, बहुत कम मिलना होता है। रब सब दोस्तों को सलामत रखे। आपकी इजाजत से मैं शुरू करती हूँ। बिल्कुल स्वागत है रजनी जी। तवज्जो चाहती हूँ, मेरी गजल का इनवान है गमे यार। मैं गमे यार से मुखातिब हूँ। अजब दीवाना बना दिया है ऐ गमे यार, अजब दीवाना बना दिया है ऐ गमे यार, खुद से बेगाना बना दिया है ऐ गमे यार। क्या बात है, बहुत सुंदर। हर दम ख्याल उसका, हर दम उसकी याद, गमों को ताजा बना दिया है ऐ गमे यार। क्या बात है। रास्ते वीरान हो गए हर सू, दिल को गमखाना बना दिया गमे यार। मेरे मजनू की आंखों का अजब रंग, एक मैखाना बना दिया ऐ गमे यार। थैंक यू। दिल को उसकी तमन्ना क्यों रहती है, सोचों में घर बना दिया है गमे यार। सोचों में घर बना दिया गमे यार। शुक्रिया। हर सू उसकी परछाइयां, हर सू उसकी परछाइयां, हर सू उसकी साए, अजब दीवाना बना दिया है गमे यार। अजब दीवाना बना दिया है गमे यार, खुद से बेगाना बना दिया गमे यार। एक और अगर इजाजत हो तो गजल पेशे खिदमत है। सदाए दिल, दिले नादान जरा उसको सदा दी होती, वो अगर गाफिल था तो मुझको हवा दी होती। क्या बात है, बहुत सुंदर। दिले नादान जरा उसको सदा दी होती, वो अगर गाफिल था तो मुझको हवा दी होती। तू सहता रहा दर्द पे दर्द हर एक रात,
आंसू सहता रहा दर्द पे दर्द हर एक रात, उस बेवफा को जरा दुख के सजा दी होती। उस बेवफा को जरा दुख के सजा दी होती। शुक्रिया रजनी जी, बहुत सुंदर रजनी जी। बिंदु जी थैंक यू आपका बहुत बहुत। उसको मालूम था कि दिल से दिल को राह होती है, उसको मालूम था कि दिल से दिल को राह होती है, जरा आवारा था उसको पना दी होती, जरा आवारा था उसको पना दी होती। उसे मालूम न था इश्क क्या मोहब्बत क्या, उसे मालूम न था इश्क क्या मोहब्बत क्या, गर दिल में चिंगारी थी उसको हवा दी होती, जरा उसको हवा दी होती। गमे दुनिया का तो हक है कि रखे तुमको उदास, गमे दुनिया का तो हक है कि रखे तुमको उदास, वो बेवफा था जरा उसको निगाह की होती, वो बेवफा था जरा उस पे निगाह की होती। दिल की बातें नहीं जानता वो अनाड़ी है, दिल की बातें नहीं जानता वो अनाड़ी है, काश दिल की हर एक बात उसको बताई होती, दिले नादां जरा उसको सदा दी होती, वो गर गाफिल था तो मुझको हवा दी होती। थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर। थैंक यू सुषमा जी, अभी आपने बताया था उनको कि मैं हिंदी में उर्दू में लिखती हूँ, असल में फारसी में और उर्दू में मैं लिखती हूँ, हिंदी मुझे लिखनी नहीं आती है। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, चाहती हूँ क्योंकि आप देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि जो आप लिखती हैं वो दिल के अंदर चला जाता है, और आपने जो कविताएं अभी जो आपने गजल पढ़ी है कि उसके लिए मैं क्या भाव प्रकट करूं, किसी को दिल में किसी को दिमाग में किसी के कहां लगी, लेकिन ये जो आपने अपने दोस्त के लिए अपने मित्र के लिए अपने प्रेम के लिए अपने प्यार के लिए रहे हैं, बहुत अच्छा कहा है रजनी। इसी तरह जुड़ती रहिए, लिखती रहिए, और मुझे मालूम है कि आप अशोक सिंह जी के साथ और भी कार्यक्रम करती हैं, हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अखिल सबका, मैं सबका धन्यवाद अखिल विश्व हिंदी समिति की ओर से कर रही हूँ। हाँ जी, अभी आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे मध्य में है इंदर खोसला, नॉर्वे से जुड़े हैं। इंदर खोसला जी भारत को छोड़ के बहुत अपनी युवावस्था में नॉर्वे चले गए थे, वहां इन्होंने एक नया वृक्ष लगाया, लेकिन जड़ें तो इनकी अपने भारत में, अपने पंजाब में, अपने शहर में हैं। सो इसलिए परिवार संबंधी और उनके सबके लिए लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी करवाते हैं, और आजकल ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, जो कि इनके पिताजी ने कभी लिखी थी पुस्तक, उसके बारे में मैं फिर बाद में बताऊंगी, लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं। इनको भी कई अपने नॉर्वे में और भारत में भी इनको आमंत्रित किया जाता है। सो इंदर खोसला जी, आज दिवाली पर अखिल विश्व हिंदी समिति की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। कुछ ऐसी बात सुनाओ कि सबको होश रहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होश उड़ाना, कुछ ऐसी बात उड़ाओ कि सबको होश रहे। सवाल ना करे कोई किसी से, खुद ही समझ जाए कि आपका संदेश क्या है, वे सब खुद ही समझ जाएं कि संदेश क्या है, वरना इस वक्त ना किसी के पास है ताकत है ना जोश है, सब लॉकडाउन है। सो कुछ ऐसा कहिए कि सबको होश रहे और आपका संदेश उन तक पहुंच जाए। स्वागत है जी, अपनी कविता या गजल जो भी है आप प्रस्तुत करिए। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कवि सम्मेलन में मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गालिब ने जैसे कहा था कि हम तक कब आता था इस महफिल में दौरे जाम, साकी ने कुछ मिलाना दिया और शराब में, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैं छोटी छोटी दो अपनी कविताएं पेश करूंगा अगर इजाजत हो आपसे। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। पहली कविता का शीर्षक है काश कभी ऐसा हो जाए। काश कभी ऐसा हो जाए आस पास के सारे बच्चे मेरे आंगन की दीवारें फांद कर अंदर घुस आए। बहुत खूब। मेरे आंगन की दीवारें फांद कर सब अंदर आ जाएं, शोर मचाएं धूम मचाएं, शोर मचाएं धूम मचाएं, और रंग बिरंगी तितलियां पकड़ पकड़ कर खुश हो जाएं।
और रंग बिरंगी तितलियां पकड़ पकड़ कर खुश हो जाएं, आंगन की फुलवाड़ी के सब फूल तोड़ दे, आंगन की फुलवाड़ी के सब फूल तोड़ दे, आंगन भर दे एक नया हंगामा कर दे, आंगन भर दे एक नया हंगामा कर दे। मैं ये खेल कहीं से बैठा, मैं ये खेल कहीं से छिप कर बैठा, तनहा देखूं सबको, मैं ये खेल कहीं पर छिप कर बैठा, तनहा देखूं सबको और दुआएं मांगूं उनके उनके उजले मुस्तकबिल की खातिर, काश कभी ऐसा हो जाए। बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा आपका, बहुत सुंदर। अगर इजाजत हो एक छोटी सी गजल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। मैं जब भारत छोड़कर नॉर्वे आया था तो उस वक्त लिखी थी, मैं जब दूर चला आया था पहरों रोता ही रहता था, मैं जब दूर चला आया था पहरों रोता ही रहता था, तेरी यादें वाबस्ता थी फिर भी ये दिल तन्हा था, तेरी यादें वाबस्ता थी फिर भी ये दिल तन्हा था। तेरे लिए थे सारे मौसम, तेरे लिए थे सारे मौसम, मेरे आगे एक सहरा था, तेरे लिए थे सारे मौसम, मेरे आगे एक सहरा था। बादल गरजे रिमझिम बरसे, बादल गरजे रिमझिम बरसे, मेरा आंगन क्यों सूना था, बादल गरजे रिमझिम बरसे, मेरा आंगन क्यों सूना था। भूल चुके थे सारे मुझको, भूल चुके थे सारे मुझको, हर सू तेरा ही चर्चा था, भूल चुके थे सारे मुझको, हर सू तेरा ही चर्चा था। सारी दुनिया झूम रही थी, सारी दुनिया झूम रही थी, मुझ पर ही वक्त का क्यों पहरा था। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत मैंने जैसा कहा कि ऐसा सुनाओ कि सबको होश रहे, और आपने हम सबको याद दिला दिया कि जब हम अपना देश छोड़कर आते हैं तो किस 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 की याद करते हैं। और जो आपने ये बच्चों का एक स्वप्न देखा है, ये हम सभी चाहते हैं कि हमारे आंगन में फूल जैसे बच्चे आए, खिले, भीड़ लगाए, रौनक लगाए और हम सबको खुशी दे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए कवि सम्मेलन को ले जाते हुए हमारे मध्य में एक बहुत ही सशक्त कवियत्री शशि तिवारी जी हैं। वो भारत से जुड़ी हुई हैं। उनका परिचय देना तो जैसे सूरज को दिया दिखाना या सूरज के आगे एक मोम कैंडल मोमबत्ती या एक टॉर्च कुछ भी लेकर जाना है। वे पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर तो थी ही, साथ में अध्यक्ष भी रही है संस्कृत आगरा कॉलेज आगरा से, और समाज सेवी हैं, साहित्यकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं। अभी इस साल इनको नेपाल में इनकी भारत हिंदी की सेवाओं के लिए भारत के राजदूत द्वारा नेपाल में सम्मानित किया गया था। शशि जी आपके लिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपके लिए दो पंक्तियां मैं महादेवी वर्मा जी को आजकल कुछ शौक से पढ़ रही हूँ, तो उन्हीं की पुस्तक में से कुछ पंक्तियां हैं। आओ दिवाली का दीप जलाएं। शशि जी आप सुन रहे हैं, शशि तिवारी जी, शशि तिवारी जी आप हैं यहाँ पर? लिस्ट में वो कहाँ पर है, मुझे जाना पड़ेगा। शशि तिवारी हैं, कोई चेक कर लेगा कि वो पार्टिसिपेंट्स में अभी हैं, वहां पर छोड़ तो नहीं गई कहीं? हैं, नजर आ रही हैं, लेकिन वो म्यूट पर हैं। शशि तिवारी जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, और उनका वीडियो भी ऑफ है तो फिर मैं शशि तिवारी जी, मैं फिर अगले कवि को बुलाने के लिए आज्ञा चाहूंगी डॉक्टर विजय मेहता जी, फिर मैं आगे चलती हूँ। शशि जी को फिर हम बाद में बुला लेंगे। श्री भगवान जी आप उनसे संपर्क करके उनको बता दीजिए कि मैं अशोक सिंह जी को बुलाने जा रही हूँ, तो अगर वो अपने आप को तैयार कर ले तो मैं शशि तिवारी को उसके बाद बुला लूंगी। अशोक सिंह जी जो कि टेक्नोलॉजी में अपने फील्ड में तो माहिर है, अशोक जी आप तो हैं, मुझे मालूम है जुड़े हुए हैं, शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, और आपने कोरोना के समय आजकल जो आप काम कर रहे हैं उसका वर्णन मैं क्या करूं। आप तो वीकली मुशायरा करते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं,
उसमें जुड़कर उसको सुनना, उनको देखना, तो एक मेरे लिए एक मेरी पाठशाला शुरू हो गई है कभी कभी जब भी बैठ पाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपसे सुनने को मिलता है कि मिसरा क्या होगा, रदीफ और काफिया किसको कहते हैं। मैं जीरो माइनस जीरो जीरो भी आप लगा दीजिए तो वो है हमारी सिचुएशन। सो मिसरा क्या होगा, रदीफ और काफिया कहते हैं किसको, अशोक जी आप इतना लिखते हैं कि अब मुझे गजल और नज्म सीखना पड़ेगा आपसे, तो मुझको आपका स्वागत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि आप बहुत अच्छा अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। स्वागत है अखिल विश्व हिंदी और समिति की ओर से आपका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेहता और हर भगवान शर्मा जी को नमस्कार। बहुत दिन बाद दर्शन हुए हैं और सभी का स्वागत जो लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं। और आज दीपावली के पर्व के ऊपर एक कवि सम्मेलन है तो तीन चार एक दो तीन शेर सुनाता हूँ दीपावली पर, और इसके बाद जैसा समय रहेगा उसके हिसाब से सुनाता हूँ। तो दियों की रोशनी से जगमगाता द्वार आंगन, दियों की रोशनी से जगमगाता द्वार आंगन हो, उमंगों से भरा हो दिल, खुशी हर घर हो, जीवन हो। बहुत बहुत सुंदर। कोई भी बैर या फिर द्वेष रह जाए ना आपस में, क्या बात है, कोई भी बैर या फिर द्वेष रह जाए ना आपस में, दिलों के बीच अपनापन सदा एक प्रेम बंधन हो। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि बड़े छोटे इकट्ठे साथ हों सब एक ही घर में, बड़े छोटे इकट्ठे साथ हों सब एक ही घर में, मनाए मिलके ये त्योहार सबका प्रेममय मन हो, और निखारे रिश्ते को फिर से दिवाली के उजालों में। बहुत सुंदर अशोक जी, बहुत सुंदर। कि निखारे रिश्ते को फिर से दिवाली के उजालों में, सगे नाते और मित्रों में कोई बाकी न अनबन हो, तो पटाखों फुलझड़ी से खेलने में क्यों कसर छोड़ो। बिल्कुल, पटाखों फुलझड़ी से खेलने में क्यों कसर छोड़े, कोई भी उम्र हो पर साथ अपने अपना बचपन हो। वेरी नाइस, बहुत बहुत सुंदर। क्यों, और जगत में राम ही तो नाम और ये राम का त्योहार। जगत में राम ही तो नाम और ये राम का त्योहार, सजे हो तन सभी के और सबका उजला भी मन हो। बहुत खूब, बहुत खूब अशोक जी। और आखिर इसका शेर देता हूँ कि दिवाली का ताल्लुक है नहीं बस एक मजहब से, दिवाली का ताल्लुक है एक मजहब से। सब कि दिवाली का ताल्लुक है नहीं बस एक मजहब से, विजय का जश्न है पैगाम भी इसका सनातन हो। बहुत सुंदर, का ताल्लुक है नहीं बस एक मजहब से, विजय का जश्न है पैगाम भी इसका सनातन हो। रोशनी से किस तरीके से परमात्मा आयु के साथ श्रेष्ठ प्राण देंगे। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अच्छा, दियों की रोशनी से जगमगाता द्वार आंगन हो, उमंगों से भरा हो दिल, खुशी हर घर हो, जीवन हो। बहुत बहुत सुंदर। अगर समय हो तो एक कविता और सुनाओ, वरना फिर बिल्कुल नहीं, आप सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। धन्यवाद। एक कविता ऐसी है जो कि मेरे ख्याल से हर समय के लिए ये कविता सही है, और कविता के बारे में न बोलते हुए मैं सीधे कविता पर आता हूँ। कि आज और यह पल ही सच है, इसी से निकले राह नहीं है, वर्तमान में जी लो बंधु, कल का कुछ एतबार नहीं है। बहुत सुंदर शक्ति, सही कहा, सही, बहुत सही। ध्यान चाहता हूं आगे कि पल क्या है, पल क्या है एक कलरव पग का, डगमग पग इस जीवन मग का, पल से जीवन है परिभाषित, गुजरे पल इतिहास समय का। मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा इसको क्योंकि समय शायद दो तीन बंद है इसमें, तो प्लीज मेरे साथ रहिए। कि पल से जीवन है परिभाषित, गुजरे पल इतिहास समय का, इस पल का सम्मान रहे पर, यह कल की अनमोल धरोहर,
इस पल का सम्मान रहे पर यह कल की अनमोल धरोहर, इस पल को न छोड़ ना लीता, समय न देता दूसरा अवसर। बहुत सही, पल पल की महिमा को समझो, इस जीवन का सार यही है, वर्तमान में जी लो बंधु, कल का कुछ एतबार नहीं है। आगे चलते हैं कि जीने का दम भरने वालों, जीना तुम्हें किधर आया है, रिक्त है जीवन जीवन चर्या, कोई न संगी फरमाया है, खुद को चाहा टूट टूट या, खुद की परिधि में ही जीवन, उससे बाहर निकल सके ना, छुआ न कोई और दुखी मन। दे दो एक पल दुखी आरे को, ऐसा और उपकार नहीं है, वर्तमान में जी लो बंधु, कल का कुछ बहुत अच्छे। भागम भाग लगी है हर पल, लेकिन लक्ष्य नहीं मालूम है। भागम भाग लगी है हर पल, लेकिन लक्ष्य नहीं मालूम है, समय चक्र से होड़ लगी है, लू क्या पक्ष नहीं मालूम है, कभी समय ठहरा कर देखो, झुठलाए हर प्यार को देखो, भूल सतत बौराए जग को, जीवन के ठहराव को देखो। बहुत अच्छा। जीवन के काल बदल कर काल गति को करना वश दुश्वार नहीं है, वर्तमान में जी लो बंधु, कल का कुछ आखिरी बंद पेश करता हूँ, आप सबको पसंद आएगा सुनित करते हुए। तिल तिल सुलगे उद्वेलित मन, पल पल हाथ निकलता जीवन, तिल तिल सुलगे उद्वेलित मन, पल पल हाथ निकलता जीवन, यूं तो बहुत जमा की पूंजी, चिंता पर असली संचित धन। अब यहाँ संदेश देने की कोशिश है, सुंदर मुख फिर मृदुल बनाओ, झकटी बल की छाप मिटाओ, हर दिन कर लो उत्सव जैसा, अंत रंग प्रिय संग मनाओ, मन से धनी बने हैं जो जो, संग ईश्वर संसार वही है, वर्तमान में जी लो बंधु, कल का कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने कविता पाठ किया, और अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए आप कविता भी कर रहे हैं और मेरे साथ टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो जो आपने कहा है कि कल का कोई एतबार नहीं है, पल पल है, इसी पल में जी लो, और ये आजकल जो हो रहा है ये इससे बड़ा हमारे लिए और कोई भी संदेश, इससे बड़ा और कोई हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ना करे कोई ऐसा कोई और अवसर दोबारा आए, तो इसमें इसी पल में जी लो और इसी पल में सीख लो और इसी पल में अंतर्मन होकर, जैसे अशोक जी ने मैसेज दिया है और बाकी सब लोगों ने मैसेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ अखिल विश्व हिंदी समिति की ओर से। अगली कवियत्री जो है उनकी भी, उनका भी परिचय तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैं जरूर बताऊंगी। शशि पादा जी हैं जो कि वर्जीनिया से जुड़ी हैं और उनकी पुस्तक अनंत की ओर से उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन अभी अभी हाल में मुझे उनके बारे में और पता लगा कि वो हिंदी में लिखती हैं, कविता लिखती हैं, कहानी लिखती हैं, कविता को अलग अलग विधाओं में लिखती हैं, तो वो एक सेतु बायलिंगुअल लिटरेरी एसोसिएशन है, सेतु बायलिंगुअल एकेडमी कह सकते हैं, तो उन्होंने इनको एक सरप्राइज देकर सम्मानित किया जिसके बारे में इनको भी मालूम नहीं था। तो शशि जी मैं आपका स्वागत करती हूँ, तो आपके लिए भी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी जब तक आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप हमेशा बड़े प्यार से मीठे मीठे शब्दों में धीरे धीरे बोलती हैं। फूलों की मीठी चितवन, शशि जी फूलों की मीठी चितवन, नब की ये दीपावलियां, पीले मुख पर संध्या के ये किरणों की फुलझड़ियां। नो डाउट मैं ये अनूप जी के लिए पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये पंक्तियां आपके साथ भी बिल्कुल उतना ही जचती हैं जितना उनकी कविता के साथ जच रही हैं। सो शशि पादा जी वर्जीनिया से जुड़ने का धन्यवाद, अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए आप सम्मान है, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सुषमा, और आप सबका धन्यवाद है जो पटल पर हैं, सब बहुत सारे मित्र हैं, उन सबको मैं जानती हूँ, खुशी हो रही है
कि सब यहाँ बैठे हैं और दिवाली मना रहे हैं. दिवाली तो हो चुकी है फिर भी. और अखिल विश्व हिंदू समिति का बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन कि वो हम आप देख के हमें बहुत खुशी हो रही है. मैं आपका स्वागत है. आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत खुशी हुई आज आपको देखकर सुनकर. ज्यादा समय धन्यवाद बिंदु जी. जब मुझे मालूम नहीं था कि आज दिवाली के उपलक्ष्य में हो रहा है, शायद मैं भूल गई थी, लेकिन फिर मैंने कविता बैठे बैठे चुनी है. आप सब जानते हैं कि कोई और भी है जो इस चराचर जगत में भी दिवाली मनाता है. कोई ऐसा हाथ है, कोई ऐसा अदृश्य है कोई जो आकाश में दिवाली मनाता है. हम मनुष्य धरती पे मनाते हैं लेकिन कोई आकाश में भी मनाता है. उसी को सोच के मैंने कुछ कविता लिखी हुई है, सुनिए. स्वागत है आपका. धन्यवाद सुषमा. इसका शीर्षक है तारक चुनरी. तारक चुनरी कौन लाहा तारक चुनरी बुनता सारी रात. कौन जुलाहा तारक चुनरी बुनता सारी रात. किरणों से करता नक्काशी बेल मोतिया टांके. किरणों से करता नक्काशी बेल मोतिया टांके. जूही चंपा सजी पांखुरी मोर भावना आंखे. जूही चंपा सजी पांखरी मोल भावना आंखे. शरद चांदनी जड़ी किनारी. शरद चांदनी जड़ी किनारी घुंघरू जोड़े साथ. चतुर जुलाहा तारक चुनरी बुनता सारी रात. बहुत सुंदर. चतुर क्या बात है शशि जी, बहुत सुंदर. धन्यवाद. ध्यान दीजिए. आसमान में खुली पिटारी उसके पास जो मोती. वाह सब कुछ है. सुंदर उपमा. आसमान में खुली पिटारी बिखरी हीरक कणिया. आसमान में खुली पिटारी बिखरी हीरक कणिया. चतुर जुलाहा चुन चुन जोड़े मोती माणिक कणिया. आसमान में खुली पिटारी बिखरी हीरक कणिया. चतुर जुलाहा चुन चुन जोड़े मोती माणिक मणिया. बहुत सुंदर. रीझ रीझ में बांध दिए फिर. रीझ रीझ में बांध दिए फिर मन के साथ. बहुत सुंदर. बहुत सुंदर. ये फिर मन के साथ. मीत जुलाहा बड़े चाव से सुनता सारी रात. बहुत खूबसूरत. जुलाहा बड़े चाव से. अंतिम पंक्तियां हैं. दूर दिशा से तकता चंदा. जब वो बुन रहा है तो कोई और भी है. दूर दिशा से तकता चंदा मन ही मन ललचाए. कौन हाट में बिकती चुनरी कैसे मोल चुकाए. दूर दिशा से तकता चंदा मन ही मन ललचाए. कौन हाट में बिकती चुनरी कैसे मोल चुकाए. सारी निधियां वारूं भेजूं धरती को सौगात. लाहा कह रहा है सारी निधियां वारूं भेजूं धरती को सौगात. कौन जुलाहा बुनता चुनरी बैठा सारी रात. बहुत सुंदर. बहुत खूब. बहुत खूब. हाँ जी चलिए. शशि जी बहुत सुंदर. धन्यवाद. धन्यवाद. एक और कविता है. ये जितने हम इस आयु से गुजर रहे हैं या हम लोग आजकल अंदर बैठे अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं उसी पर लेकर के है. इसका शीर्षक है बड़े हो गए हम. बड़े हो गए हम. जरूरी नहीं अब सभी का अनुमोदन. जरूरी नहीं अब सभी का अनुमोदन. बड़े हो गए हम. बड़े हो गए हम. औरों की सुनी थी मन की ना मानी. औरों की सुनी थी मन की ना मानी. कमी थी या खूबी न जानी पहचानी. विवादों ने घेरा. विवादों ने घेरा. परे हो गए हम. नाइस. हो गए हम.
बहुत खूब, बड़े हो गए हम, बहुत सुंदर, बहुत खूब, धन्यवाद। अनचिन्हा कोई भय था घुटन थी, अनचिन्हा कोई भय था घुटन थी, बड़ी उलझनों की तीखी चुभन थी। अनचिन्हा कोई भय था घुटन थी, बड़ी उलझनों की तीखी चुभन थी। कसौटी पे घिसके खड़े हो गए हम, बड़े हो गए हम, बड़े हो गए हम। थकने लगे थे निभाते निभाते, थक से गए हैं निभाते निभाते, दुविधाएं मन की छिपाते छिपाते, बिसराई पतझड़ हरे हो गए हम, बिसराई पतझड़ हरे हो गए हम, बड़े हो गए हम, बड़े हो गए हम। सुख दुख को जीवन तराजू पे तोला, सुख दुख को जीवन तराजू पे तोला, कभी तो अडिग थे कभी धीर डोला। बहुत अच्छे, सुख दुख को जीवन तराजू पे तोला, कभी तो अडिग थे कभी धीर डोला। ध्यान दीजिए, ले संयम की लाठी, ले संयम की लाठी, खड़े हो गए हम, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम पंक्तियां हैं, सूरज ना पूछे उगने से पहले, अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, अब हम इस स्टेज पे हैं। सूरज ना पूछे उगने से पहले, ना रुकती हवाएं उड़ने से पहले, कड़ी धूप झेली, कड़े हो गए हम, बड़े हो गए हम, बड़े हो रचना श्रीवास्तव, रचना श्रीवास्तव जो कि कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ी हैं। शशि तिवारी जी आज की अगर आप इनको बुलाना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि एक दो और हैं जिनको क्लास लेने जाना है 12 बजे, थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। शशि तिवारी जी प्लीज, क्षमा चाहूंगी अब मैं। तो रचना श्रीवास्तव, जैसे कि मैं आपके लिए, आप लिखती हैं और यहाँ मुझे इतना मालूम है कि आप लखनऊ से आई हैं, तो आपके लिए ये कहूंगी कि आप पहले तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रचना श्रीवास्तव जी, कर लिया है, कर लिया। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं, जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं नहीं, जिसने जाना मिटने का स्वाद। जो हम लोग भारत को छोड़कर आते हैं, कुछ कुछ पंक्तियां ये उस संदर्भ में लेकर मैं आपका स्वागत करती हूँ अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए। आप अपनी कविता हम सबको सुनाइए, सबको आनंदित कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद शशि जी, और अखिल हिंदी समिति का भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पे पढ़ने का मौका दिया। और अभी जितने लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। और मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ, क्योंकि दिवाली का प्रोग्राम है, तो एक कविता जो मैंने दिवाली के लिए लिखी थी वो पढ़ना चाहूंगी। हाँ जी। कहा उसने, आओ प्रिय दिवाली मनाए, अपने संग होने की खुशियों में समाए, आओ प्रिय दिवाली मनाए। पकड़ के हाथ दिए के पास लाई, जलाने को जैसे ही लौ उठाई, उसने देखा दूर एक घर अंधेरे में डूबा था। कल रात ही तो उसके आंगन में करुण क्रंदन का साया था। उसने देखा दूर एक घर अंधेरे में डूबा था, कल रात ही तो उसके आंगन में करुण क्रंदन का साया था। पड़ोस डूबा हो जब अंधकार में, तो घर अपना कैसे सजाए, तुम ही कहो प्रिय दिवाली हम कैसे मनाए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। करके थोड़ी सी हिम्मत, हाथ में एक फुलझड़ी जो थमाई, लाल बत्ती पे कपड़ा से गाड़ी पोछते उस मासूम की पथराई आंखें याद आई, लाल बत्ती पे गाड़ी पोछते उस मासूम की पथराई आंखें याद आई। याचना के बदले मिला तिरस्कार, पैसों के बदले दुत्कार, जब हो खाली अपनों के हाथ, तो हम फुलझड़ियां कैसे छुड़ाएं, तुम ही कहो प्रिय दिवाली हम कैसे बनाएं। जब खाया नहीं तो दूध कहां से आए, छाती से चिपकाए बच्चे को सोच रही थी भूखी माँ,
मिठाइयों की महक से और भी भूखी हो रही थी वो माँ। जब खाली हो अपनों के पेट, जब खाली हो अपनों के पेट, तो हम मिठाइयां कैसे खाएं? तुम ही कहो प्रिय, दिवाली हम कैसे मनाएं? बहुत अच्छा। उठाए कुछ दिए, एक सामने बस्ती थी बहुत अंधेरे से भरी। उठाए कुछ दिए, कुछ पटाखे, कुछ मिठाइयां। हम पहुंचे उस बस्ती में तो हमारी आहट से ही नयन दीप जल उठे। पपड़ी पड़े होठों पे मुस्कान आई और सिकुड़ी हुई आंतों को बंधी थोड़ी सी आस कि आज मिलेगा कुछ खाने को और होगी उजियाली रात। अब प्रसन्नता की दामनी चमक उठी थी, उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। तो आओ प्रिय, अब हम खुशी से दिवाली मनाएं। बहुत सुनो ना, आओ प्रिय, अब हम खुशी से दिवाली मनाएं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी ऐसे कुछ अवसर आते हैं तो हमें अपने घर की याद जरूर आती है, तो उसमें हमें अपने माता पिता की भी याद आती है। तो एक कविता मैंने जो बाबूजी के लिए लिखी है, मतलब एक पिता के लिए, कोई भी किसी का भी पिता हो सकता है, आजकल हमारे देश में ऐसे हालात भी हैं, तो आप सबका ध्यान चाहूंगी उस पे। स्वागत है। अमरैया की छांव से, पूरब के एक गांव से, सोंधे शीतल बाबूजी। जेठ में लू की धार से, सावन की पड़ी फुहार से, नरम गरम से बाबूजी। दरवाजे पे लटके ताले से, आंगन में जाल वो काले से, सुरक्षा की मजबूत कड़ी बाबूजी। गीतों में लोग गीत से, सदियों से चली आ रही रीत से, कभी न बदले बाबूजी। परीक्षा के प्रश्न पत्र से, विद्यालय के नए सत्र से, सदा डराते बाबूजी। उबलते पानी पे रखे ढक्कन से, भार में भूनते मकई के दाने से, बड़बड़ करते बाबूजी। गर्म तावे पे मक्खन से, मुट्ठी में बर्फ के टुकड़े से, पिघल जाते बाबूजी। जर्जर पास से, अपनों की घास से, टूट गए बाबूजी। बेटे की उपेक्षा से, बंटवारे की समस्या से, बिखर गए बाबूजी। और विद्र आश्रम की गलियों में चुपचाप गुजर गए बाबूजी, चुपचाप गुजर गए बाबूजी। बहुत दिल को बहुत दिल को छूने वाली मार्मिक कविता पंक्तियां, धन्यवाद रचना जी। मैं शशि तिवारी जी आपसे क्षमा चाहूंगी कि एक कवित्री को मैं पहले बुला लेती हूँ। पिंकी पिंकी हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं, वो अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए पहली बार मुझे लगता है कविता पाठ करेंगी। वे मिशिगन यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं, वहां हिंदी की प्रोफेसर हैं। वो बात बात करके दो दिल जीत लेती हैं, तो मैं उनको यही कहूंगी कि तेरी बातें सुन सुनकर मेरा मन बहल गया। पिंकी, तेरी बातें सुन सुनकर मेरा मन बहल गया, जहां मैं थी ठहरी मैं वहां से चल दिया, मैं दिया इसलिए बोल रही हूँ। कुछ कर ऐसा कि मौसम बदल जाए, तपश से भरा सूरज बादल में छुप जाए। सो पिंकी, आपका स्वागत है और आप अपनी कविता हम सबको सुनाइए और हमको आनंदित कीजिए। धन्यवाद, मुझे मालूम है आपका टाइम बाउंड कुछ काम है। थैंक यू सो मच, आप जुड़ी हैं अखिल विश्व हिंदी समिति के साथ। नमस्कार सबको, और सुषमा जी बहुत बहुत आभार। समय सच में बहुत तेजी से भागा जा रहा है, तो मैं जल्दी से अपनी कविता पढ़ती हूँ। कुछ पुराने पन्ने, कुछ इसके अंश यहाँ वहाँ आए हैं, आपको समझ में आएगा जब सब लोग सुनेंगे। कुछ पुराने पन्नों को पलटा तो यादें निकली, कुछ पुराने पन्नों को पलटा तो यादें निकली, थोड़ा और खर खराया तो बातें निकली। एक पन्ना और उतरी तो नोक झोंक की तस्वीरें उभरी। वहीं बगल में बैठी थी गुड्डी, लाल जोड़े में सजी संवरी। कोने में झांका तो पाया कनखियों को दुबका, पापा के कहने पर जब चाची ने दिया अपना झुमका। वो बुझे चेहरे भी बाहर आने को मरते थे,
वो बुझे चेहरे भी बाहर आने को मरते थे जिनसे हम कभी मस्ती मजाक किया करते थे। छुपे छुपे से अधसूखे कपड़ों की तारों में, छुपे छुपे से अधसूखे कपड़ों की तारों में देखा अब तक वादे वहीं पड़े हैं कतारों में। बहुत कुछ समेटे हैं खुद में ये पुराने पन्ने, बहुत कुछ समेटे हैं खुद में ये पुराने पन्ने, कहीं हरे पूरे खड़े हैं तो कहीं चूसे हुए गन्ने। ये हमारे खेतों का अनुभव है मेरा, जहाँ गन्ने चूसा करते थे। अभी लोग जानते भी नहीं है गन्ने चूसना क्या होता है। उसके बाद काफी लंबी कविता, मैं बीच 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 में ले लेती हूँ चीजें। एक पन्ने पर दिखे महादेवी और उनका घीसा, एक पन्ने पर दिखे महादेवी और उनका घीसा, वो मंदिर भी जहां चंदू काका ने चंदन पीसा। इन पन्नों में शब्द खेलते हैं मेरी जिंदगी का खेल, इन पन्नों में शब्द खेलते हैं मेरी जिंदगी का खेल, दिवाली की छुट्टी का सफर वो तांगा वो रेल। बाकी है इन पन्नों की सीढ़ियां और अभी, बाकी है इन पन्नों की सीढ़ियां और अभी, चली आऊंगी इधर चलते चलते कभी, आज बस यादों को इतना ही सहलाना है, आज बस यादों को इतना ही सहलाना है, कल की यादें बनाने मुझे आज अभी जाना है, मुझे आज अभी जाना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी यादें और आपका धन्यवाद। जब तक आप जुड़ सकती हैं रहिए, मुझे मालूम है कि आपकी 12 बजे क्लास है। मैं अभी हूँ थोड़ी देर। हाँ जी, धन्यवाद आपका। तो अभी मैं आगे आपका सबका मैं बार बार धन्यवाद करती रहूंगी और मैं फिर से आपका सबका स्वागत करती हूँ। मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबने मिलकर इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग दिया है। तो अब मैं अगली कवियत्री जो है उनका परिचय मैंने शुरू किया था, लेकिन मैं फिर से जाती हूँ। शशि तिवारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो बोलिए शशि जी, फिर मैं आपके बारे में बातचीत करूं थोड़ी सी। जी जी, नमस्कार करती हूँ आप सबको मैं। ठीक है शशि जी। अच्छा शशि, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शशि जी पूर्व अध्यक्ष संस्कृत आगरा कॉलेज आगरा से है, और इनको जैसे मैंने बताया ये एक प्रोफेसर, साहित्यकार, समाज सेवी और अंतरराष्ट्रीय कवित्री हैं, लिखती हैं, बहुत सी पुस्तकें इनकी छपी हुई हैं, पब्लिश हो चुकी हैं, प्रकाशित हुई हैं, और इनको इस वर्ष नेपाल में भारत के राजदूत से सम्मानित किया गया था। मैं आपका स्वागत करती हूँ अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए। शशि जी, आओ दिवाली का दीप जलाएं, आओ आज दीपावली का दीप जलाएं, कुछ छंदों और गीतों से मिलेंगे कुछ गैरों को और अपने मीतों से मन बहलाएं गे गजलों और संगीतों से। इन्हीं शब्दों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। अपने मित्रों से मिलते हैं और आप अपनी कविता हमको सुनाइए और सबको आनंदित कीजिए। अखिल विश्व हिंदी समिति और उसके पूरे परिवार की मैं बहुत आभारी हूँ। सुषमा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ। सभी कवि भाइयों ने और कवित्री बहनों ने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की हैं। मैं तो अभिभूत हो गई सुनकर सबको। तो मैं प्रारंभ करती हूँ क्योंकि समय कम है। मैं अपनी काव्य पाठ को हमेशा माँ सरस्वती के स्मरण से प्रारंभ करती हूँ, ये मेरी आदत है। स्वागत। तो मैं चार पंक्तियां पहले माँ वाणी के लिए। माँ तेरी जो कृपा हुई तो सफल हुआ यह जीवन, माँ तेरी जो कृपा हुई तो सफल हुआ यह जीवन, तेरे चरणों में अर्पित है मेरा तन मन धन, तेरे चरणों में अर्पित है मेरा तन मन धन, तेरी वीणा के स्वर संतत सुनकर कलम स्वर शब्दों की कशा पाकर
स्वर शब्दों की निकषा पाकर कविता हो गई कंचन, माँ तेरी जो कृपा हुई तो सफल हुआ यह जीवन, तेरे ही चरणों में अर्पित है मेरा तन मन धन, माँ तेरी जो कृपा हुई तो सफल हुआ यह जीवन, सफल हुआ यह माँ वाणी के श्री चरणों में मैंने अपनी कुछ शब्दों के सुमन रखे। और अब चार पंक्तियां मैं दिवाली के दीपों को किस तरह से लेती हूँ, मेरा अपना तरीका है, देखिएगा। नफरत का अंधकार मिटा कर चले चलो, नफरत का अंधकार मिटा कर चले चलो, कर्तव्य की मशाल उठा कर चले चलो, कर्तव्य की मशाल उठा कर चले चलो, इंसानियत की राह भी हो जाएगी रोशन, इंसानियत की राह भी हो जाएगी रोशन, दिल से दिलों के दीप जला कर चले चलो, दिल से दिलों की दीप जला कर चले चलो। दीपावली की बहुत बहुत मैं शुभकामना आप सबको दे रही हूँ, डॉक्टर विजय मेहता जी, डॉक्टर शिव भगवान शर्मा जी और अशोक सिंह जी और अनूप भार्गव जी, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी कविताएं सबने सुनाई, मैं तो वाकई बहुत ही हृदय मेरा गदगद हो गया। मैं चार पंक्तियां और कहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि मेरी आँखों से जब भी अश्क बहे, रात ने जाने कितने शेर कहे, जिंदगी हर पल जिंदगी का हर पल आज तो है ये, कल रहे न रहे, आज तो है ये, कल रहे न रहे। एक मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। वैसे तो हम सभी मानव का ये स्वभाव होता है, मानव का की फितरत होती है ये कि वो संपूर्णता चाहता है अपने जीवन में, अपने कार्यों में, हर चीज में, और समग्रता चाहता है। लेकिन मेरा कवि मन कुछ और कहता है और वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि कभी कभी अधूरेपन में भी एक अपना अलग ही आनंद होता है। जीवन में आवश्यक नहीं कि हमेशा संपूर्णता ही मिले, कभी अधूरापन भी मिलता है, तो अधूरेपन में भी पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है, ये मेरा अपना मानना है, मेरा कवि हृदय मानता है। जिन जिन का कवि हृदय है शायद मेरी बात से सहमत हो, तो मैं एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ आप सबकी आज्ञा लेकर। स्वागत है। मुझे पलकों पे तुमने सजा तो लिया, मुझे पलकों पे तुमने सजा तो लिया, अपनी आंखों का मंजर बना ना सके, मुझे पलकों पे तुमने, मुझको पलकों पे तुमने सजा तो लिया, अपनी आंखों का अंजन बना ना सके, और धूल चरणों की मुझको बना तो लिया, धूल चरणों की मुझको बना तो लिया, बनाना सके, मुझको पलकों पे तुम
तुमने सजा दिया। बंद देखिएगा, बहुत अच्छा शशि जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ईश पर सब चढ़े ये जरूरी नहीं, फूलों को चमन में खिले हो, ईश पर सब चढ़े ये जरूरी नहीं, जाने कितने ही पत्थर पड़े देवता सब बने ये जरूर। बहुत सुंदर शशि जी, म्यूट हो गई लगती हैं, पॉज हो गई हैं, फ्रीज हो गई लगती हैं। बनाना सके मुझे पत्थर से कंचन बना तो दिया, अपनी बनाना मुझको पलकों पे तुमने सजा तो लिया, अपनी आंखों का अंजन बनाना सके। और बाय मत जला, बंद कर, जल तो रहेगा। अशोक जी वो फ्रीज हो गई, क्या हो गया? नहीं, वो जब हाई पिच पे गाती है तो संभव साउंड चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगता है कि हम आगे चलते हैं। शशि जी आप फ्रीज हो गई हैं या म्यूट हो गई हैं? मिनट, हाँ अब आ गया। हाँ जी, हाँ हाँ आ गया। हाँ सुनिएगा, मैं पढ़ रही थी, चाहे कितने आंसू सबको बहने की चाहे जरूरत भला, और श्याम राधा एक दूसरे के लिए, श्याम राधा एक दूसरे के लिए, इसको कहने की चाहे जरूरत भला, मुझे मीठी सी वंशी बना तो लिया, मुझे मीठी सी वंशी बना तो लिया, अपने अधरों से पावन बनाना सके, मुझे मीठी सी वंशी बना तो लिया, अपने अधरों से पावन बनाना सके, मुझको पलकों पे तुमने सजा तो लिया, आंखों का अंजन बनाना के। अंतिम बंद देती हूँ आप सबको, कि जिंदगी एक सपना कभी जिंदगी एक सपना कभी जागती आँख से सबको दिखता है ये, जिंदगी एक सपना सभी के लिए जागती आँख, बंद होने आँख जब अंत में बंद होने जब मोह का बंध मुश्किल से छुटता है ये, मुझे जीवन का सपना बना तो लिया, मुझे जीवन का सपना बना तो लिया, फिर सपने को जीवन बनाना मुझे जीवन का सपना बना
तो दिया तेरी सपने कोई मन बना ना सके, फूल चरणों की मुझको बना तो लिया अपनी बनाना मुझे पलकों पे तुमने सजा तो लिया अपनी आंखों का बनाना सके मुझको पलकों तुमने सजा तो लिया। बहुत 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 धन्यवाद खुशी जी कि आपने मुझे इतने प्यार से सुना, बहुत धन्यवाद करती हूँ। वास्तव में मेरा हृदय बहुत गदगद है, मुझे मालूम है आप बहुत प्रेम करती हैं और आप सबको इतना आशीर्वाद साधुवाद भेजती हैं कि मैं आपको अपने तहे दिल से दिल के भीतर से आपको प्रणाम करती हूँ। तो आपका समय मुझे मालूम है इंडिया में लेट है, तो मैं अभी जो हमारे क्योंकि क्रम हमारा ऊपर नीचे हो गया है, कुछ लोगों को जल्दी जाना है, कुछ को देर से आए हैं, तो मैं मंगला जी को बाद में बुलाऊंगी। जो भारत से दो कवियत्रियां जुड़ी हैं, डॉक्टर सरिता मेहता जो कि ह्यूस्टन में रहती हैं लेकिन आजकल वो भारत में हैं। सरिता जी आप अपने आप को अनम्यूट करके हेलो करिए ताकि हम देख लें कि आप मुझे सुन पा रही हैं। डॉक्टर सरिता मेहता बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ आपको। अच्छा ठीक है आप आगे आ जाइए हेलो करके। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सरिता मेहता को, अखिल विश्व हिंदी समिति के सभी लोग उनसे परिचित हैं, वे आजकल भारत में बहुत काम कर रही हैं। अभी पीछे कुछ मुझे भी उसमें मिलने का और इनके साथ कुछ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। एक नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर है हरियाणा में, वहां पर कवि सम्मेलन हुआ जहां पर सरिता जी अध्यक्ष थी, और अभी इनको एक स्वर सप्तक सोसाइटी की ओर से इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। सो सभी लोग हिंदी प्रेमी, हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी लिखते हैं और कविता पाठ करते हैं। सरिता जी आपका स्वागत है, आप अपनी कविता सुनाइए ताकि हम आगे काम कर अखिल विश्व हिंदी समिति का आगे कार्यक्रम चलाएंगे। आपका स्वागत है सरिता जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका वीडियो मुझे नहीं दिख पा रहा। वीडियो नहीं दिख पा रहा, मेरी मेरी स्क्रीन पर शशि जी हैं। शशि जी आप हट जाइए मुझे नहीं मालूम मैं कैसे। और सुषमा जी मैं भी सादर नमन करती हूँ, नीलम त्रिखा मैं सभी को देख पा रही हूँ। मुझे आपका भी अपनी सरिता जी के बाद मैं आपको आमंत्रित, धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ तो आइए सरिता जी, सरिता जी के बाद मैं नीलम जी आपका स्वागत करूंगी। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मंच पर उपस्थित सभी परम आदरणीय सम्मानित साहित्यकारों का, मित्रों का, सबका बहुत बहुत मैं सादर नमस्ते करती हूँ। सरिता जी की तस्वीर नहीं दिख रही, जुड़ी हुई हूँ उसी तरह। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप खूबसूरत, आपके खूबसूरत चेहरा भी दिख रहा है। अच्छा ठीक है तो अखिल विश्व सभी से मुलाकात हुई, सबसे अच्छा लगता है इसी बहाने ऐसा लगता है, बल्कि कोरोना की वजह से हम और भी ज्यादा करीब आ गए हैं, सभी लोग ज्यादा कवि सम्मेलन करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं जो आप दिवाली पे मनाते हैं, दिवाली तो चली तो गई है पर लगता है अभी जो अंधेरा है उसको, अंधकार 2020 का जो 2020 का है उसको करने के लिए मैं दुआएं करती हूँ कि ये दिसंबर का आखिरी महीना हमारे लिए नई नई खुशियां लेके आए। तो उसके लिए मैं दो शब्द कहती हूँ, हे प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु प्रकाश पुंज हर दिल बने, हे प्रभु प्रकाश पुंज हर दिल बने, विश्व में प्रेम की ज्योति चमके, विश्व में प्रेम की ज्योति चमके, जग अलौकिक हो दमके, जग अलौकिक हो दमके, ताकि इतनी ही खुशियां आ सके। तो ये छोटी सी मैंने इसी के लिए शुभकामनाएं दी हैं, जग ज्योतिर्मय करें, आओरी सखी हम दीप जलाएं। दिवाली गई तो क्या हुआ, अभी हम दीप जलाते हैं, आशा के दीप जलाते हैं, उमंगों के दीप जलाते हैं ताकि हमें नए से कुछ खुशियां मिले। और इस सखी हम दीप जलाएं, लेकर स्नेह की बाती, लेकर स्नेह की बाती अपने तव का तेल, लेकर स्नेह की बाती अपने तव का तेल, जग ज्योतिर्मय करे, जग ज्योतिर्मय करे,
पहला दीप शहीदों के नाम, पहला दीप शहीदों के नाम जिन्होंने हंसते हंसते सरहदों पर दिए हैं प्राण। उसके साथ ही ये मैं जरूरी नहीं कि सरहदों पे तो किए हैं, पर इस वर्ष लाखों लोग पूरे देश विश्व में हम लोगों से बिछड़ गए हैं, उन सबको भी मैं नमन करती हूँ, उनको भी सबको याद करती हूँ और उनके लिए भी दीप जलाएं। एक दीप उन सब सीमा रक्षकों के नाम सरहदों पर बैठे हैं जो शान से तीना तान ऐसे मौसम में ऐसे हालात में भी वो वही हैं। एक दीप दे उनको हिम्मत, एक दीप ऐसा हो जो मन का अंधकार मिटाए, एक दीप ऐसा हो जो मन का अंधकार मिटाए, सब तरफ प्रकाश फैलाए, सब तरफ प्रकाश फैलाए, एक दीप भेदभाव मिटाए, एक दीप भेदभाव मिटाए, एक दीप मोहब्बत प्रेम का, एक दीप मोहब्बत प्रेम का जो नफरत तकरार मिटाए, जो नफरत तकरार मिटाए, दीप सातवां, दीप सातवां आसमां रोशन यू कर जाए, आसमां रोशन यू कर जाए, विश्व बंधुत्व का पैगाम जग में जन जन तक पहुंचाए, और ही सखी हम दीप जलाएं, और ही सखी हम दीप जलाएं, जग ज्योतिर्मय कर जाए, जग ज्योतिर्मय कर जाए। तो शुभकामनाएं देती हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं हैं। सुषमा जी इजाजत है चार पंक्तियां सुना दीजिए आप। अच्छा, मंजिल मेरी तुम ही हो, ये भी मैं कृष्ण कन्हैया को मानती हूँ, जो भी भगवान है उसी को मानती हूँ, आध्यात्मिकता की और उसी के लिए है। मंजिल मेरी तुम ही हो, हर तमन्ना, हर तमन्ना हर ख्वाब, हर तमन्ना हर ख्वाब, हर ख्वाहिश हर अभिलाषा, हर मनोकामना भी मेरी, हर मनोकामना भी मेरी तुम तक ही खत्म होती है, तुमसे ही शुरू होकर तुम तक ही खत्म होती है, सूरत तेरी आंखों से किसी पल न दूर होती है, सूरत तेरी आंखों से किसी पल न दूर होती, चाह नहीं कुछ और पाने की अब तो मुझको, चाह नहीं कुछ और पाने की अब तो मुझको, क्या और मांगू मैं रब से, पा लिया जब से है तुझको, क्या मांगू मैं रब से जब पा लिया तुझसे है जब से तुझो, ना जाने कैसे सम्मोहित कर बांध लिया तुमने मुझको, विश्वास अटल है मेरा ये भी, विश्वास अटल है मेरा ये भी, तुम भी बहुत चाहते हो मुझको, काना तुम भी बहुत चाहते हो मुझको, आओगे जब भी मिलने इंतजार में ही पाओगे मुझको, बाकी जिंदगी बस तुम्हारे ही नाम लिखती है, हर रास्ता जीवन का ले जा रहा है तुम तक, निश्चल प्रेम सरिता ने सब अर्पण किया तुम्हीं को, तुम तक ही पहुंचना कहना मंजिल है मेरी, तुम तक ही पहुंचना कहना मंजिल है मेरी। बस सबको इसी भगवान से मैं दुआ भी मांगती हूँ कि सबको खूब खुशियां दे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, आपने दिवाली के ऊपर कविता पढ़ी और अपने भक्ति रस में अपने डूब कर जो पंक्तियां लिखी हैं कि हर एक का प्रेम किसी ना किसी के साथ होता है, और वो जो प्रेम है वो प्रभु प्रेम है, चाहे व्यक्ति प्रेम है लेकिन भीतर के अंदर से जागता है। तो आपका धन्यवाद अखिल विश्व हिंदी समिति की ओर से, और आप भारत से जुड़ रही हैं इस समय और इतनी रात हो चुकी है, तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भारत से एक और कवियत्री जो कि बहुत ही मंझी हुई लेखिका और कवियत्री हैं, मैं उनका ज्यादा परिचय नहीं दूंगी, थोड़ा सा ही बताऊंगी। उनका नाम है नीलम त्रिखा, वो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर में कवि सम्मेलन करती हैं, और एक वहां पर पुस्तिका है जो कि उमंग, उसकी वो संपादक भी हैं, और मुझे उनका इंफॉर्मेशन तो सारी आ जाती है, लेकिन वो नीलम त्रिखा जो कि कहानी कविता और अब मैं क्या बताऊं कि इनकी, मैं जब कविता सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो समझती हूँ कि जिस जिस को भी मैं सुनती हूँ उन सबसे मुझे कुछ सीखने का अवसर मिलता है, और आपकी मैंने पीछे इंटरव्यू सुनी थी वो जो टीवी पर थी, जो आपने बेटी और
बारे में भी कहा था, बहुत अच्छा था। सो आपका स्वागत है अखिल विश्व हिंदी समिति की ओर से न्यूयॉर्क के, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको हमें सबको सुनने का पहली बार अवसर प्राप्त होता है, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। मैं नीलम त्रिखा भारत से चंडीगढ़ पंचकुला में रहती हूँ और सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तहे दिल से बार बार मैं धन्यवाद करूंगी आदरणीय डॉक्टर सरिता मेहता जी का और आपका सुषमा जी। सच में मुझे ये यकीन नहीं था कि हम इतनी जल्दी अपने सभी और भी वरिष्ठ साहित्यकारों से मैं जुड़ पाऊंगी, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर मैं भी ये वादा करती हूँ कि जी, जैसे हमने एक वादा भी किया था कि जनवरी में नॉर्थ जॉन कल्चर सेंटर जो है वो भी एक इसी तरह का इंटरनेशनल कार्यक्रम का बारे में सर ने बोला था, तो हम फिर से जल्दी से ही जुड़ेंगे। और मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो मुझे जरूर, मैं चाहूंगी। आपका स्वागत है, हमें खुशी है आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी, मैं सभी को फिर से सादर नमन करते हुए, और ज्यादा समय क्योंकि पहली बार जुड़ रही हूँ तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं सभी को नहीं जानती, पर धीरे धीरे सबको जानने लग जाऊंगी मैं। हाँ जी बिल्कुल। और बात जी, शशि जी सभी को नमन करते हुए, और मैं दो पंक्तियां पहले देश के बारे में कहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पे जब मेरे भाई बहन सब बाहर बैठे हैं और हम, हमारी एक पहचान है, अपने कल्चर को लेके हम कार्य कर रहे हैं और देश है तो हम सब हैं, हमारी पहचान। सबसे पहले मैं जी देश पर अपनी कविता कहना चाहूंगी कि मेरे अहले वतन, मेरे सुन रे वतन, तुझ पे हंस के ये जां भी लुटा जाएंगे। मेरे अहले वतन, मेरे सुन रे वतन, तुझ पे हंस के ये जां भी लुटा जाएंगे। तुझ पे हंस के ये जां भी लुटा जाएंगे, तुझ पे हंस के ये जां भी लुटा जाएंगे। मेरे अहले वतन, मेरे सुन रे वतन, तुझ पे हंस के ये जां भी लुटा जाएंगे। माना हाथों में मेरे है चूड़ा पड़ा, माथे बिंदिया और पैरों में बिछुआ जड़ा, माथे बिंदिया और पैरों में बिछुआ जड़ा, पर तू कर ले यकीन, हाँ तू कर ले यकीन, हंसते हंसते खुद को मिटा जाएंगे। मेरे अहले वतन, मेरे सुन रे वतन, तुझ पे हंस के ये जां भी लुटा जाएंगे। तक तो ताजे की हमको चाह नहीं, हमने इश्क वतन से जो कर लिया, हमने इश्क वतन से जो कर लिया, मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, हंसते हंसते खुद को लुटा जाएंगे। मेरे अहले वतन, मेरे सुन रे वतन, तुझ पे हंस के ये जां भी लुटा जाएंगे, तुझ पे हंस के ये जां भी लुटा जाएंगे। और एक चार पंक्तियां और कहना चाहूंगी। सुनाइए, बिल्कुल स्वागत। जादूगर जी, और ये आपको मैं समर्पित करती हूँ सुषमा जी, कि जादूगर कोई प्रेम का दीप जला दीजिए, मेरे देश को आके आप चमका दीजिए। सुना है आप में वो हुनर है, कोई जादू तो यहाँ पर दिखला दीजिए। जादूगर कोई गीत सुना दीजिए। और क्योंकि आप बेटी हैं यहाँ की और आपने वहां परचम लहराया हुआ है, सभी बहनों को नमन करते हुए दो लाइनें मैं बेटियों पर भी कहूंगी कि सारे जहां में नाम कमाती हैं बेटियां, वो काम क्या है जो न कर पाती हैं बेटियां। कभी साक्षी कभी सानिया, कभी बन के कल्पना, कभी बन के कल्पना,
विदेशों में भी नाम कमाती हैं बेटियां, सारे जहां में नाम कमाती हैं बेटियां। बेटे तो बांटते हैं अब माँ बाप की दौलत, माँ बाप की दौलत, दुख दर्द की जागीर बटाती हैं बेटियां, सारे जहां में नाम कमाती हैं बेटियां। बहुत खूब। वो काम क्या है जो न कर पाती हैं बेटियां। अब तो क्योंकि ये भारत की बात है, आपको पता ही होगा कि अब तो फौज में भी गोली चलाती हैं बेटियां। वो काम क्या है जो न कर पाती हैं बेटियां। तो सभी मैं अपनी उन बहनों को सादर नमन करते हुए दिल से सैल्यूट करती हूँ कि आप वहां पर भारतीय संस्कृति का इतना परचम लहरा रही हैं। हृदय से सभी को नमन है मेरा, और मैं जरूर चाहूंगी कि मुझे फिर से मौका दिया जाए, तब हम बड़े अच्छे से अपनी और भी बातचीत करेंगे और सभी से मिलने का मुझे फिर से मौका मिले। नीलम त्रिखा जी, आप रात को जुड़ी हुई हैं भारत से, आपने मेरा छोटा सा संदेश स्वीकार कर लिया, मेरा आमंत्रण, तो आपका धन्यवाद है। हम आपको फिर अब आपका हमारा अभी शुरू हुआ है संबंध, हम इसको आगे तक ले जाएंगे। अखिल विश्व हिंदी समिति की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो कार्यक्रम को अब मैं आगे बढ़ाते हुए, हमारे इस मध्य में कवित्री मंगला जी हैं, वो बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, बहुत ही शांति से और बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि धैर्य से बैठी हैं कि कब मैं उनको बुलाऊं। मंगला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगला जी भी अखिल विश्व हिंदी समिति के साथ कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं। मंगला जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आगे, बिल्कुल बिल्कुल आगे जी। तो ठीक है, अब आपको, अब अपने आप को अनम्यूट कर चुकी हैं। तो मंगला जी अखिल विश्व हिंदी समिति की सदस्य हैं, वे कविता लिखती हैं, इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, तो ये भी काफी अच्छा आपके सामने कुछ गीत, कोई कोई भजन या कोई कविता लेकर आई है मुझे मालूम है। सो मंगला जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप हम सबको अपनी कविता का आनंद दिलवाइए। स्वागत है आपका, आइए जी। अब इकट्ठे हुए भाई बहनों को मेरे प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, आप अपनी कविता पाठ करिए। सुषमा जी को और विजय, डॉक्टर विजय मेहता को भी दिल से धन्यवाद। कोरोना का माहौल चल रहा है, हम लोग दिवाली मना रहे हैं, हर तरफ आदमी मर रहा है, तो इस माहौल में हमारा अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड भी कहीं जिम्मेदार तो नहीं है, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसी कविता में दिवाली मना रहे हैं। तो आइए दो पंक्तियां स्वागत कर प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है। दो कदम, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, आओ मिलकर नए युग का, नए युग का नवदीप बने, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, नई चाल हो, नई राह हो, नया ताल हो, नया राग हो, नई चाल हो, नई राह हो, नया ताल हो, नया राग हो, जीवन का सम्मान करें हम, जीवन संविधान बने, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, नई सोच हो, नई खोज हो, नया जोश हो, नया होश हो, नई सोच हो, नई खोज हो, नई जोश हो, नया होश हो,
उनका अनुसंधान करे हूँ, मन मानस तैयार करे, नूतन अनुसंधान करे हूँ, मन मानस तैयार करे, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, नए सपने हो नए अपने हो, नए जश्न हो नए जतन हो, नए सपने हो नए अपने हो, नए जश्न हो नए जतन हो, प्यार का ऐसा श्रृंगार करे हम, प्यार से सच में प्यार करे, प्यार का ऐसा श्रृंगार करे हम, प्यार से सच में प्यार करे, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, आओ मिलकर नए युग का, नए युग का नव दीप ने, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, संकल्प की प्राण प्रतिष्ठा प्राणों में कर धर कर हम, निज जीवन निर्माण करे हम, शुभ मंगल निर्माण करे, निज जीवन निर्माण करे हम, मन मंगल निर्माण करे, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, आओ मिलकर नए युग का, नए युग का नव दीप बने, दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चले, दो कदम दो कदम दो कदम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर मंगला जी, जो आपने इतना अच्छा डीप थॉट, जिसको गहरा गहरा ज्ञान हम लोगों को दिया है कि दो कदम तुम चलो दो कदम हम चले, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए आपने कविता पाठ किया, और मैं आपका स्वागत पहले किया, फिर से मैं आपका स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और आपके समय के लिए आपका आभार प्रकट करती हूँ। तो हमारे मैं एक सेकेंड मामा जी को पूछ रही हूँ फोन करके, जहां तक तो कवि कविताओं की श्रृंखला है वो हमने लगभग सभी कवि हमने सुने हैं, लेकिन मैं अभी पूछना चाहूंगी डॉक्टर विजय मेहता जी, आपको मैं आमंत्रित करने से पहले एक जिनको हमने नहीं, राजेंद्र खोसला जी बैठे हैं यहाँ पर, राजेंद्र खोसला जी अगर आप कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, तो ओके ठीक है जी, ठीक है बैठे जरूर, हाँ जी ठीक है पूछ लीजिए, मैं तो बंद कर दूं मेरी आवाज, सॉरी आई वॉज ट्राइंग टू रीच राजेंद्र खोसला। तो मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर विजय मेहता, जिनको परिचय की मेरी छोटी सी, मेरी छोटी सी दो पंक्तियों का परिचय तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको भी, उनके प्रोफेशनली कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कि एक वैसे ही बहुत बहुत ऊंचा प्रोफेशनली भी होता है, जिसको आप बोलोगे कि फला डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है तो आप उसके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। तो मैं डॉक्टर विजय मेहता को आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अखिल विश्व हिंदी समिति के वे अध्यक्ष हैं और कई वर्षों से अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए तन मन धन से काम करते हैं, उनका हिंदी के लिए प्रेम है, बहुत प्रेम है। डॉक्टर साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अभी आप म्यूट हैं। लेफ्ट साइड पे नीचे रेड क्रॉस होता है स्पीकर के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब के बारे में मैं तब तक बताती हूँ कि डॉक्टर साहब ने कई काव्य और महाकाव्य लिखे हैं, और उनकी जो लिस्ट है मेरे पास वो काफी लंबी है, लेकिन कुछ का मैं नाम ले देती हूँ। डॉक्टर साहब आप अभी भी म्यूटेड हैं, आपकी आवाज हमें नहीं आएगी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। वो नीचे लेफ्ट साइड पे स्पीकर है, रेड लाइन है, उसके ऊपर क्लिक करिएगा। अशोक जी हम इनको अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं, अब बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, ओके।
तो डॉक्टर विजय मेहता ने कई काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि मधुमास के फूल, पुष्पांजलि, तथागत भिक्षुणी एवं प्रणय परिजात। लेकिन जो इनका बहुत महान काम है, एक उन्होंने चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त महाकाव्य लिखा है। तो मैं सम्राट चंद्रगुप्त महाकाव्य की कुछ पहली पंक्तियां पढ़कर मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहूंगी। हाँ, पहली जो पंक्तियां हैं, कौन अधिक मादक बनते मदिरा या मदाल सा है, कौन अधिक मदिर मधुर इसमें अधिक नशा है। लेकिन उसकी जो अगली चार पंक्तियां हैं डॉक्टर साहब, मैं वो जरूर पढ़ना चाहूंगी सम्राट घनानंद के लिए। मादक शीतल पूनम रजनी, मदिर सुगंधित मलय पावन, विजय पर्व की मधुर निशा में मगध वीरों का अभिनंदन। इसी पंक्ति, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप हमें आज अपनी एक कविता पढ़कर, जैसा भी आपका मन हो, आप दो शब्द कहकर हम सबको आनंदित कर दीजिए, और उस आपके बाद फिर मैं अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ा कर लेकर जाऊंगी। धन्यवाद सुषमा। सर्वप्रथम तो पुनः मैं सभी श्रोताओं को, कवियों को, कवित्रियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का पर्व है, दीप मल्लिकाएं सजाई जाती हैं, लेकिन हर दीप मल्लिकाओं के लिए एक लघु दीपक का होना आवश्यक होता है। हमारी कविता का शीर्षक भी आज एक लघु दीपक में है। दीपक, सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। लघु दीपक जो है, बिंदु जी अपने आप को एक लघु दीपक जो है परमार्थ के लिए उत्सर्ग की पराकाष्ठा है। अपनी वर्तिका को जलाकर, तेल को जलाकर आलोक फैलाता है। कहते हैं परमार्थ के लिए जो उत्सर्ग करता है, अपनी हड्डियां जलाता है, उसे हो सकता है जीवन में कोई जसो ज्ञान ना मिले, समृद्धि ना मिले, लेकिन उसका परमार्थ पर ये जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाता। यही बात लघु दीपक के साथ भी है। लघु दीपक को विधाता का वरदान है, और विधाता का ये वरदान है जब तक उसकी वर्तिका में ज्योति नहीं जलाई जाएगी, उनकी अर्चना पूरी नहीं होगी। तो अपने तेल को, अपने बाती को जलाकर आलोक फैलाने वाली इस लघु दीपक के ऊपर मैं एक कविता सुनाता हूँ इस दीपावली के अवसर पर। लघु दीपक नव प्रभात में अभी दे रहे, नव प्रभात में अभी दे रहे ज्योतिर्मय लघु दीपक जल, अंबर तक फैली यह रजनी तू लघु किरण बदन बन जा, आमावस के गहन तिमिर में तू चंद्र किरण बन जा, आलोक मधुर बिखराओ प्रतिपल नव प्रभात में अभी दे रहे ज्योतिर्मय लघु दीपक जल। निशा काल की मादक तंद्रा बेसुर नगर डगर उपबल, जाग जाग तू मधुर प्रदीपक जल जल दे ज्योति के मधुकन, फैले मधु आलोक विबल ज्योतिर्मय लघु दीपक जल। जलो रात के अंत प्रहर तक, जलो रात के अंत प्रहर तक प्रभानाद की प्रभन किरण तक, पथ दर्शन दो भ्रमित मनुज को जलो अंत तक मधुर प्रदीपक फैले ज्योति लहर अविरल, जब प्रभात में अभी देर है ज्योतिर्मय लघु दीपक जल। देवालय के देव सो रहे, देवालय के देव सो रहे अगहन तिमिर की चादर तान, नहीं गूंजते शंख कहीं पर नहीं उभरते मधुमय गान, जागो जलो दीप तुम रात सकल ज्योतिर्मय लघु दीपक जल। क्या जाने कब शंख नाद हो, क्या जाने कब शंखनाद हो, कब फूटे मधु किल विमल किरण, कब यह फैला तिमिर हटेगा, कब बिखरेगी सो ज्योति सघन, आएगा कब वह मधुरिम पल कब प्रभात में अभी देर है ज्योतिर्मय लघु दीपक जल। जलो ज्वालमय तिमिर जला दो, जलो ज्वालमय तिमिर जला दो, पुत में ज्योति किरण मुस्काए, क्या जाने उस देव निलय से जगकर देव इधर आ जाए। जलो ज्वाल में तिमिर जला दो,
पतसे ज्योति मधुर मुस्काए, क्या जाने उस देव नीले से जगकर देव इधर आ जाए, ज्योति बिखेरो प्रतिछन प्रतिपल, नव प्रभात में अभी देर है, ज्योतिर्मय लघु दीपक जल, जलन ज्वाल का यह कटु बेदन, जलन ज्वाल का यह कटु बेदन, ज्योति दान का यह मधुर मिशन, विश्व करेगा याद प्रदीपक, जब बिखरेगी अरुण किरण, मत होना तुम अभी विकल, नव प्रभात में अभी देर है, ज्योतिर्मय लघु दीपक जल, ज्योति दान का पुण्य पर्व यह, ज्योति दान का पुण्य पर्व यह, कभी मनुज क्या खो पाएगा, तिमिर गहन जब जब फैलेगा, मधुर प्रदीपक मुस्काएगा, ज्योति दान का पुण्य पर्व यह, कभी मनुज क्या खो पाएगा, गहन तिमिर जब भी फैलेगा, मधुर प्रदीपक मुस्काएगा, ज्योतिर्मय मत हो चंचल, वह प्रभात में अधिक देर है, ज्योतिर्मय जल। आखिरी पंक्ति है, देवालय के पुण्य स्थल में, देवालय के पुण्य स्थल में जब अर्चन का पल आएगा, देवालय के पुण्य स्थल में जब अर्चन का पल आएगा, पुष्पमाल के साथ वहीं पर मधुर प्रदीपक सज जाएगा, पुण्य ज्योति हो विमल सरल, नव प्रभात में अभी देर है, ज्योतिर्मय लघु दीपक जल। धन्यवाद। ये हमारे लघु दीपक के ऊपर एक छोटी सी रचना थी। तो मैं सभी कवियों को कवित्रियों को साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं भेज देता हूँ कि इसमें आप हमसे जुड़े और अखिल विश्व हिंदी के इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। अब ये सुषमा तो बहुत सारी कविता की पंक्तियां पढ़ी बीच बीच में, उसने अपने आंसू कवित्व का भी परिचय दिया और बड़ी बड़ी कवियों की कुछ रचनाओं का भी पाठ किया, लेकिन हमारी यह हमारा आग्रह होगा कि वो अपनी ही कोई एक रचना सुनाए और सबको आनंदित करें इससे। धन्यवाद सुषमा। धन्यवाद डॉक्टर जी, डॉक्टर विजय मेहता जी, आपके आपके साथ मिलकर अखिल विश्व हिंदी समिति इतना आगे चल रहा है। तो और हमारे अखिल विश्व हिंदी समिति के और सदस्य भी बैठे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। रविंदर जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप टंडन, उषा टंडन, और भी कोई सदस्य हैं तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ श्री भगवान जी भारत से जुड़े हैं। श्री भगवान जी, आप मेरी कविता से पहले कुछ कहना चाहेंगे कि मैं बाद में आपको बुलाऊं? श्री भगवान जी, डॉक्टर दाऊ जी तो नहीं जुड़े, डॉक्टर दाऊ जी गुप्त नहीं है हमारे साथ, वो भारत के भारत में अंतरराष्ट्रीय अखिल विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं, अगर वे हैं तो वो भी बता दे मुझे, अदरवाइज मैं श्री भगवान जी आपका स्वागत करती हूँ ताकि फिर मैं अंत में अपनी चार पंक्तियां सुनाकर आज के कवि सम्मेलन को समाप्ति की ओर लेकर जाऊंगी। श्री भगवान जी, श्री भगवान आप शुरू से हैं। धन्यवाद, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, आप भारत से जुड़े हैं और इतनी देर रात के बैठे हैं, आपका सबका आशीर्वाद प्रणाम, धन्यवाद आप जुड़े हैं। हाँ जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कुछ एक दो जो जो शब्द में जैसा भी आपका मन है, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं हिंदी विश्व अखिल विश्व हिंदी समिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। डॉक्टर मेहता जी और मल्होत्रा जी ने जो आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में छाया हुआ है, उससे संबंधित एक छंद मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है जी। कोरोना ने कर दिया सकल विश्व बेहाल, ड्रैगन की मक्कारियां सोची समझी चाल, सोची समझी चाल विश्व में मच रही हाहाकारी, चीन प्रशासन धूर्त देन इसकी है ये महामारी, सकल विश्व में फैल गई है कोरोना बीमारी, बेहाल हुई सारी जनता अनगिनत गई है मारी, कोविड से मर गए हैं सभी के मान जी, लाखों ने जीवन कर दिया बलिदान जी, आफत से बचाएं हमें श्री भगवान जी, वैक्सीन के आने से बचेंगे प्राण जी, कोरोना का हाल
हुए बेहाल सकल नन नारी बन गया इतिहास रहेगा युगों युगों तक जारी। कोरोना को भांप कर ये हिंदी भारत का प्रयोग है। कोरोना को भांप कर सजग हुई सरकार, संसद में इस पर हुआ भारी गहन विचार। भारी गहन विचार सोच में पड़ गई संसद सारी, लॉकडाउन कर दिया देश में मोदी जी ने जारी। लॉकडाउन कर दिया देश में मोदी जी ने जारी। व्यापार सभी हो गए बंद, बंद सारे दफ्तर सरकारी। घर में ही रहे सारी जनता तो रुकेगी ये महामारी। सोशल डिस्टेंस मास्क जरूर लगाना जी, नहीं भीड़ भाड़ बाजारों में है लगवाना जी। श्रीमान रखें दो गज दूरी का ध्यान, सैनिटाइजर को करें करेंगे कोरोना के मान। कोरोना का खोफ छा गया बिते दुनिया सारी, के श्री भगवान कोरोना बीमारी नहीं महामारी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेहता जी का बरदा सब पे बना रहे, सुषमा जी इसी तरीके संचालन करते रहे, और डॉक्टर मल्होत्रा जी इसी प्रकार का अपना आयाम देते रहे। मैं सभी पटल पे विद्यमान कवि कवित्रियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री भगवान जी आपको सुनकर, और जो आपने बिल्कुल ही इस समय के ऊपर जो छंद कविता जो लिख के हमें सुनाया, दोहा सुनाए, आपसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा रखते हुए, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ रात को जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नमन करती हूँ, आपका आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। तो मैं चाहूंगी प्रदीप टंडन जी, अगर आप अपनी आगे एक सेकंड के लिए सबको बता दें कि आप प्रदीप टंडन जी जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपकी अगर स्क्रीन पर आ जाए एक मिनट, जस्ट जैसा भी आपको अच्छा लगे। और रविंदर जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक मिनट 30 सेकंड जैसा भी लेकर आना चाहते हैं आप, रविंदर जी, प्रदीप टंडन जी। हेलो। हाँ जी, अगर आप 30 सेकंड। जी 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 आया। हाँ जी, कुछ आप सबको जैसा प्रणाम करना चाहें, धन्यवाद जैसा, एक मिनट। हाँ जी, ले लीजिए। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, और ये जो अखिल विश्वविद्यालय समिति का जो ये कवि सम्मेलन हुआ, ये बड़ी गर्व की बात है, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बीच में मुझे जाना पड़ा था, मेरी बेटी बाहर आई थी इसलिए कपड़ा पहन के बाहर गया था। कोई बात नहीं, आपका स्वागत, आप जुड़े हुए हैं, आपका धन्यवाद जी। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छा हुआ, मुझे बड़ी खुशी है, और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद उषा जी। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार। मैं तो फिजिशियन हूँ, तो मैंने चैट में डाला है कि आई वांट टू थैंक ऑल द फर्स्ट लाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग द ईएमटी, द जैनिटर हु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हॉस्पिटल, और तो उन सबको थैंक यू वेरी मच, और आप सबका भी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये एक तरह से दिस इज टू अवॉइड डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन कोविड। तो सुषमा जी और अखिल विश्व हिंदी समिति ने ये बहुत अच्छा आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने जो कहा है कि हमारे फर्स्ट लाइन वर्कर्स के लिए, मैं तो एक सुरक्षा कवच जो आप लोगों के पीईपी जो उनको पहनाते हैं, हे प्रभु उनको सुरक्षा कवच में रखो ताकि वे अपना ध्यान रखें और दूसरे जो बीमार लोग हैं उनका भी ध्यान रखें। तो मैं, हाँ जी, रविंदर जी आप हैं वहां पर? जी जी हाँ, हेलो, नमस्कार। हाँ जी रविंदर, हमारे अखिल विश्व हिंदी समिति के ट्रेजरर हैं जी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो। रविंद्र कुमार, अखिल विश्व हिंदी समिति के तरफ से आप सभी को नमस्कार, और काफी कवि लोग जुड़े इस आज के कवि सम्मेलन में, और पूरे विश्व के देख रहा हूँ कवि लोग आए यहाँ पर, कनाडा से भी आए हैं, इंडिया से भी काफी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं,
और काफी सुषमा जी आपने काफी जो है से इसके लिए बहुत कुछ किए और आपका प्रोग्राम में काफी लोग जुटे हैं और दाव जी का कमी यहाँ महसूस रहा है आज और यू नो और वेद प्रकाश जी आप भी इसके लिए काफी धन्यवाद आपको डॉक्टर धन्यवाद आप दीप जी आप सभी जितने भी कवि सदस्य हैं सभी को धन्यवाद मेरे तरफ से और जी हाँ जी आपका आपका स्वागत है आपका धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं क्योंकि सब लोग मिलकर ही हम काम कर सकते हैं एक अकेला नहीं कर सकता तो इसको आगे बढ़ाते हुए अपनी चार पंक्तियां कहने से पहले मैं अशोक सिंह जी का धन्यवाद करूंगी जो कि कविता गजल और बहुत कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं तो इनको एक पाठशाला खोलनी पड़ेगी तो अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो उसी के साथ मैं अब आगे अपनी चार पंक्तियां लेकर चलती हूँ नमस्ते स्वागत है थैंक यू जी हे दीपावली के दीपक तुम हर पर्व पर स्वीकार हो हे दीपावली के दीपक तुम हर पर्व पर स्वीकार हो दे आहुति अपने तन मन की तुम करवाते फिर इंतजार हो बहुत सुंदर बहुत अच्छा बहुत अच्छा दे आहुति अपने तन मन की फिर करवाते इंतजार हो स्वर्ण तन तुम्हारा हो जाता जलकर मलिन सा स्वर्ण तन तुम्हारा हो जाता जलकर मलिन सा ले शिक्षा तुम्हारे बलिदान से ले शिक्षा तुम्हारे बलिदान से सीख ले हम धर्म त्याग और शालीनता ये मैं चार पंक्तियां दिवाली के अवसर पर और मैंने कुछ अभी सीखा है तो मैं पढ़ना चाहूंगी कि दो पंक्तियों में किस तरह अपने विचार व्यक्त करते हैं वो अशोक जी का अशोक जी जो की जुड़े हैं यहाँ पर उनका उनकी आज्ञा और उनका एक तरह से हौसला बधाई लेकर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूंगी जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं करता मुझे नहीं मालूम ये गद है सॉरी कि ये दोहा बनेगा या नज्म या गजल लेकिन मैं इसको एक पढ़ूंगी स्वागत है सुषमा जी बिल्कुल अशोक जी आज हिम्मत कर रही हूँ बिल्कुल हो जाए आपसे है कि दो पंक्तियों में किस तरह पूरे विचार प्रकट करने हैं जी जी रुका तो नहीं पर चला भी नहीं हूँ रुका तो नहीं पर चला भी नहीं हूँ अगर तेरा साथ मिल जाए तो शायद चलना मुमकिन हो जाए वाह यूं तो जिंदगी ने कभी रुकने ही ना दिया यूं तो जिंदगी ने कभी रुकने ही ना दिया मगर जब भी आराम करना चाहा तेरी याद ने रुला दिया और ये ये जो भाव है ये आप किसी अपने संबंधी के साथ भी जोड़ सकते हैं अपने प्रेमी के साथ भी और अपने प्रभु प्रेम के साथ भी जोड़ सकते हैं मेरी मुस्कुराहट के पीछे क्या है छिपा न समझा कोई मेरी मुस्कुराहट के पीछे क्या है छिपा न समझा कोई जिसको सुनाया वही उगते सूरज का मुझे ही आईना दिखा गया जिसको सुनाया वही उगते सूरज का मुझे आईना दिखा गया काश कि मैं तारों में खुद को ढूंढ लेती काश कि मैं तारों में खुद को ढूंढ लेती अपने अंधेरे से निकल वे रोशनी की तलाश ना करते ये जो वे शब्द है ये किसी के साथ सकते हैं बहुत सुंदर धन्यवाद किस किस को याद कर आते हैं आंखों में आंसू बहुत अच्छा किस किस को याद कर आते हैं आंखों में आंसू जो साथ चलते हुए भी मंजिल तक न जा सके जो साथ चलते हुए भी मंजिल तक न जा सके एक बार हिम्मत से तुम कहो तो सही कि तुम वही हो पहले जैसे एक बार हिम्मत से तुम कहो तो सही कि तुम वही हो पहले जैसे वरना मैंने अपना सुकून खोकर भी घर को निर्मल रोशन कर दिया होता बहुत अच्छा अंतिम पंक्तियां हैं दरवाजे खिड़कियां जो आजकल की सिचुएशन है दरवाजे खिड़कियां अब बंद करके बैठ गए हैं हम
दरवाजे खिड़कियां बंद करके अब बैठ गए हैं हम, ये सोच कर कि तुम्हारी आवाज अब अपने भीतर से ही आएगी, ये सोच कर कि तुम्हारी आवाज अब अपने भीतर से ही आएगी। मुझे समय देने के लिए और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद सुषमा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं अखिल विश्व हिंदी समिति की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। मुझे जहां तक है सब कवियों ने कविता पढ़ दी है। मैं किरण अरोड़ा को देख रही हूँ, अगर वो कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है किरण अरोड़ा जी, क्योंकि आप भी गीत संगीत कविता गजल कुछ ना कुछ। सदर के बाद कोई और पढ़ता नहीं है सुषमा जी। ओके धन्यवाद, धन्यवाद, फिर हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। थैंक यू अशोक जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिल विश्व हिंदी समिति, डॉक्टर विजय मेहता और भारत से जुड़े हुए सभी कवियों का और सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद।